ओके सो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में कहाँ तक कराया था? एक मिनट पहले तो मैं सर एक्सियोमेटिक डेफिनेशन बेसिक था उधर। प्रोबेबिलिटी ओके लास्ट क्लास में सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन तक जो हो रहा था ना वो वाला एंड एंड वन। ठीक है, एक्चुअली अब मैं हॉस्टल में नहीं हूँ तो मैं लैब में ही हूँ। तो मेरे पास सिर्फ रोहतक वाली बुक है, अभी गुप्ता कपूर की तो नहीं है। तो अभी थ्योरी आज कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि डाउट तो गुप्ता कपूर से कराऊंगा तो उसके लिए क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसको पहले फिनिश करते हैं थ्योरीज, देन डाउट एक साथ करेंगे। ओके तो मैं लिखता हूँ कहाँ तक कराया था। ओके ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ये पार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा होगा तुम लोगों को, रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस अलजेब्रा इवेंट्स एंड इवेंट स्पेस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक्जोमेटिक डेफिनेशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब वही क्लासिकल डेफिनेशन समझ लो, देन एक्जोमेटिक डेफिनेशन लास्ट क्लास में किया था, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो वो हम कर रहे हैं, जैसे फॉर्मूला हो गया यूनियन वाला है ना इस तरह से। तो देन एडिशन थ्योरम है, ठीक है अब इस पे आते हैं, मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो लास्ट क्लास में करा रहे थे ना, इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन या इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्रॉपर्टीज़ में जैसे हो गया वही प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूलेज हैं वो प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। फिर आता है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, तो इसका डिस्कस करता हूँ। ओके तो आज डेट है 22 अप्रैल है ना। तो जैसे हमने ये लिखा था लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है ना, ये फॉर्मूला इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ही है ना, पर्टिकुलर केस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मैं अब तुमसे पूछूं, ये तो हमारे पास फर्स्ट केस, ये इन जनरल ट्रू है। दूसरा केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा चलो ऐसे तो ठीक है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, मतलब अगर कंपेयर करने को बोलूं दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, सो विच वन इज लार्जर इन जनरल? ए यूनियन बी, सो टी ए प्लस टी के probability of a plus probability of b। ओके तो अलग अलग ओपिनियन है बाकी लोग, सो व्हाट डू यू थिंक, ये मोर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा? लेस देन और इक्वल टू। ओके लेस देन और इक्वल टू, सर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, जैसे अब तुम इसको यहां से भी देख सकते हो ना, ये a सेट है, ये b सेट है, सो a b, तो a यूनियन b का मतलब है ये वाला पोर्शन है ना, और यहाँ से भी देखते ना कुछ माइनस कर रहे हैं तब इक्वल है, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू कम है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगी वो लेस होगी, क्योंकि क्या होगा जब हम ए यूनियन बी कर रहे हैं सो हम इस पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पी ए प्लस पी बी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है
मतलब अगर वेन डायग्राम हम देख रहे हो तो पी ए में ये वाला पोर्शन ए सर्कल आ जाएगा ना, ए वाला, और पी बी में पूरा बी वाला आएगा। तो एक्चुअली ये बीच वाला पोर्शन हम दो बार ऐड कर रहे हैं ना, तो ये क्वांटिटी ज़्यादा है, या यहाँ से भी तुम देख सकते हो ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूँ 5 = 6 - 1, अब तुमसे पूछो 5 और 6 में कौन सा लार्जर या कौन सा स्मॉलर है, तो सिंपली तुम देख सकते हो 6 में 1 माइनस कर रहे हैं तब इक्वल है, मतलब 5 छोटा है 6 है ना। सो कुछ माइनस होने के बाद इक्वल आ रहा है, मीन्स दिस क्वांटिटी इज अलोन ग्रेटर दैन दिस वन। तो सेम स्टोरी यहाँ पे, ऐसा कुछ समझ लो, मतलब जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ इनइक्वालिटी को समझने के लिए। ओके, तो इन जनरल ये रिजल्ट ट्रू है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इन जनरल लेस देन और इक्वल टू ये होगा। तीसरा केस क्या है कि अगर ऐसा होता है कि इफ मान लो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? इक्वल टू। हाँ, तो उस केस में क्या है कि लाइक या बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो है। सो अगर ऐसा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो गया, सो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी। फाइन, ओके, तो ये ए यूनियन बी का थोड़ा सा है ना ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है ना। जैसे मैं अगर जनरलाइज करूँ इसको, तो लाइक अगर तुमसे मैं ये पूछूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इन जनरल लेस देन इक्वल टू होगी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी से, सिमिलर तरीके से जो यहाँ जैसे लिखा हमने इस तरीके से ही है ना। और ठीक है, तो ये मैं रिजल्ट से कंटिन्यू करता हूँ फोर्थ पॉइंट। ठीक है ना, मतलब कंपेयर करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी और पी ए प्लस पी बी प्लस सी पी सी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। सिंपली तुम इसको भी वेन डायग्राम से देख पाओगे ना, अगर तुम बनाना चाहो तो ऐसे विजुअलाइज, अदरवाइज मैथमेटिकली भी पूरा फॉर्मूलाइज कर लिख के तुम फिर इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड ठीक है ना, ये तो यहाँ तक ओके है कि मतलब इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, यूनियन ये पूरा पोर्शन होगा, तीनों मिला के ना, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ ये पोर्शन है यूनियन की प्रोबेबिलिटी, और अलग अलग ऐड करोगे तो होता क्या है, जो कॉमन पोर्शंस है वो रिपीटेडली ऐड होते हैं, तो इसलिए ये क्वांटिटी ज़्यादा है। अच्छा, इसका इस क्वांटिटी का लोअर बाउंड तुम्हें पता है, अगर अपर बाउंड पूछे तो, जैसे मैं पूछूं अगर तुमसे कि लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और एक यहाँ लिख रहा हूँ मैं पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों क्वांटिटी में किसकी वैल्यू ज़्यादा या किसकी वैल्यू कम है, मतलब इसको पूरा मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये क्वांटिटी है, और एक है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ लेस देन इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन हो जाएगा सर, सर ग्रेटर होगा ना, तुम्हें भी इनमें से डिसाइड करना है। लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सर, सर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सर। क्वांटिटी देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ, है ना सर, पी यूनियन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बड़ा होगा। ओके, तो मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू, जो कि मैंने यहाँ लिखा है द बिलो क्वांटिटी। ठीक है, तो अलग अलग आंसर लेस देन इक्वल टू, सर लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यस सर, लेस देन और इक्वल टू, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू, और ये तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उस फॉर्मूले से जो कि मैं अभी ऊपर लिख रहा हूँ, सबको पता है लाइक ये सिक्स्थ पॉइंट होगा। फिफ्थ पॉइंट में मैं लिखता हूँ, अरे
अरे दिनेश मैं क्लास ले रहा हूँ यार, 6 to 9 मेरी क्लास चल रही है, तो 7 to 9 क्लास चल रही है। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ये सबको पता है ना, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तो सबको पता ही है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे तुम अब डिसाइड कर सकते हो, जिन लोगों को अभी दिक्कत था अगर लास्ट अगले रिजल्ट में जो 6 पॉइंट लिखा हूँ, तो इस वाले 5th पॉइंट को यूज़ करके तुम 6 पॉइंट डिसाइड कर सकते हो, है ना। ये क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होती है, ये सबको पता है। तो मोर देन इक्वल टू 0 है तो ये ऐसा कुछ हो गया कि लाइक मैं 5 को लिख रहा हूँ 4 प्लस समथिंग, मतलब ऐसे समझने के लिए, ये नहीं कि 1 में वैल्यू बता रहा हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे थोड़ा वो करना पड़ेगा, तो फिर पॉइंट में लेने पड़ेंगे, लाइक 0.5 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.1, इस तरह समझ लो ऐसा है। मतलब 0.5 में ऐसे बताना चाह रहा हूँ, दिस एंड दिस क्वांटिटी इज 0.4 एंड प्लस समथिंग। तो अगर इन दोनों को अब कंपेयर करना है तुम्हें, 0.5 को और 0.4 को, वैसे ही है ना, क्योंकि प्लस में समथिंग है यहाँ पे, और वो समथिंग क्वांटिटी मोर देन 0 होगी और इक्वल टू 0 हो सकती है। तो हमें कंपेयर करना तो क्या होगा, दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल, तो उसी बेसिस से तुम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं ना। जब कोई जनरल नहीं देख पाओ तो थोड़ा पर्टिकुलर सोचोगी लाइक इस सिचुएशन में क्या होगा, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन तुम्हारा थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इन जनरल अगर डाउट हो रहा है तो। जैसे ना अक्सर तुम क्वेश्चन देखते हो जहाँ एन इन्वॉल्व होता है, स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जब तुम्हें नहीं दिख रहा है एन के लिए तो एन को 1 फिक्स करके देख लो, फिर दिख जाएगा, एन को 2 फिक्स करके देख लो, तो चीज़ें दिख जाती है ना, जो जनरल क्वेश्चन है हर एन के लिए ट्रू है, तो कोई पर्टिकुलर एन लेके देख लो। तो यहाँ जैसे अभी हमने ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बताया हूँ, ओके। सो दिस क्वांटिटी इक्वल है इसके, तो हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या किया, 6th पॉइंट में इस वाले को हटा दिया, हमने अब बताया कि क्या रिजल्ट होगा, कौन सी क्वांटिटी लार्जर है। सो इन दैट केस जो तुम्हारा है ना, मैंने वो पहले लिखा है, तुम अगर चाहो तो वैसे करके लिख सकते हो। अब 4th और 6th को मिला दो, अब देखो मैं नेक्स्ट रिजल्ट जो लिखूंगा 4 और 6th को हम मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने का मतलब ये हुआ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये क्वांटिटी जो है, दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल टू, ओके मतलब दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, नेक्स्ट तो लिख रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तुम्हारा 6th पॉइंट था, इज इट, यस। एंड इसमें तुम 4th वाला पॉइंट ऐड कर दो, एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। एक्चुअली ये एक लाइन में ही लिखना था, लेकिन उतना स्पेस मेरे पास नहीं है, तो मैं सेकेंड लाइन में लिखा हूँ, यू कैन राइट इन वन लाइन ओनली। तो इसको बोलते हैं कि लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के अपर बाउंड भी पता है मुझे, अच्छा 1 मिनट, मैंने राइट साइड थोड़ा गलत लिखा ना, मतलब हमें तो ये लिखना था 4th पॉइंट, सो इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, ओके। तो मैंने मतलब 4th और 6th को एक साथ लिखा है, दिस इज 7th पॉइंट। अच्छा इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं, मतलब क्या है ना, जैम में तुम देखोगे पेपर्स तो मतलब ऑप्शंस में इस तरह के ऑप्शन होते हैं, तुम्हें वहां डिसाइड करना पड़ेगा विच लेस देन विच इज मोर देन। सो ठीक है, तो इस क्वांटिटी का मेरे पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों पता है, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं एक्चुअली। तो अगर मैं जनरलाइज करूं, जैसे मैं 8th पॉइंट लिखता हूं, अगर तुमसे पूछूं इन जनरल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक तो रेस्ट्रिक्शन था लाइक अगर ऐसा था रेस्ट्रिक्शन, तुम्हें याद हो डेफिनेशन का 3रा पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, इफ ए वन ए टू मतलब प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन लिखी थी हमने, एंड सो ऑन, दीज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट था ना, ये डेफिनेशन पेयर वाइज डिसजॉइंट, इसका मतलब ये हुआ, सो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, इसका मतलब है ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5, ठीक है, फॉर ऑल आई डिफरेंट फ्रॉम जे, इसका मतलब ये है ना, दैट इज आई ई, तो दैट इज दिस। देन हमने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी यूनियन ऑफ ए आईज, ठीक है,
आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू, क्या था कोई बताओ राइट साइड में, डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन लिख रहे थे, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई इज, सो ये था लेस देन, सॉरी लेस देन नहीं, वहाँ इक्वालिटी था क्योंकि पेयर वाइज डिसजॉइंट है, जब भी पेयर वाइज डिसजॉइंट हो गया तो इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएंगी, मैम पेयर वाइज डिसजॉइंट तो ऑब्वियसली तीन का इंटरसेक्शन लोगों तो भी जीरो हो जाएगी, तो ये एक्चुअली इस चीज़ को आप इजीली तुम देख सकते हो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, कि क्या हो रहा है पहले टर्म के बाद सारे टर्म जीरो हो जा रहे हैं, मतलब पहले टर्म का मतलब ये है कि ये होता ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तुम देख लो, सो ये पहला टर्म था, दूसरा हम लिखते थे माइनस समेशन ए आई इंटरसेक्शन ए जे, इस तरह से है ना, सो इस तरीके से, तो ये सब क्वांटिटी आगे जितनी भी सब जीरो हो जाएंगी, हो जाती है, इसलिए वो तीसरा पॉइंट, लेकिन ये डेफिनेशन का पार्ट है, पहले हमने ये चीज़ डिफाइन किया लिया था, उसके बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन आया है, तो अब तुम इसको देख पाओगे, मतलब कहने मतलब ये है उससे पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो अब मैं ये रेस्ट्रिक्शन हटा दूं, है ना, जैसे अब मैं वो कंडीशन हटा दूं पेयर वाइज डिसजॉइंट वाला, इन जनरल क्या होगा, अच्छा यहाँ एन लिख दिया, थोड़ा तुम लोग ध्यान देना, गलतियाँ हो तो बताना, जैसे मैं लिखते हुए कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है, हमने सम लिया था इन्फिनिटी तक का, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज, ये इक्वलिटी तभी आएगी, है ना, और इस फॉर्मूले का नाम था, कोई बताओ याद है, इस पॉइंट इस फॉर्मूले का नाम क्या है, एथ पॉइंट का एक पर्टिकुलर नाम है, क्या नाम है, लॉग टोटल प्रोबेबिलिटी, हाँ लॉग टोटल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे वो नहीं है, वो तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक्चुअली, अच्छा लॉग टोटल प्रोबेबिलिटी बाद में आएगा, हाँ तुम लोगों ने ध्यान से रिविजन नहीं करते हो, ये ऐसे नाम नहीं बताए तुम, अगर नोट्स जो लोग बनाते हैं वो वापस टर्न करके देखो, डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट हमने नाम बताया होगा, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है सर, हाँ एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है, यू आर राइट, तो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन में तीन पार्ट था, पहला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मोर देन इक्वल टू जीरो, दूसरा था कि ओमेगा की प्रोबेबिलिटी वन होगी, और तीसरा ये पार्ट था, तो इस तीसरे पॉइंट का एक पर्टिकुलर नाम है, रिपीट करो काउंटेबल एडिटिविटी, काउंटेबल और फाइनाइट में क्या डिफरेंस है, हमने यहाँ सेट कितने लिए, काउंटेबल नंबर ऑफ सेट लिए हैं, ये यहाँ पे जो यूनियन कर रहे हैं वो काउंटेबल सेट पे कर रहे हैं, यहाँ समेशन कर रहे हैं वो काउंटेबल सेट पे कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं काउंटेबल एडिटिविटी, ठीक है, अच्छा बैटरी लो है, मैं बैटरी चार्ज पे लगाता हूँ एक मिनट, तो इसका नाम है काउंटेबल एडिटिविटी, एडिटिविटी मतलब काउंटेबल सेट के यूनियन ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड मतलब यूनियन लेना सेट के टर्म में, सेट को ऐड करने का मतलब क्या है यूनियन लेना, एक मिनट चार्ज पे लगाता हूँ, और अभी इसको फाइनाइट कर दूंगा, एन एन तक का सम ले लेंगे तो वो फाइनाइट हो जाएगी, मतलब वो है, सो इसमें क्या होगा, जो लोग एक बार ही अगर पढ़ते हो तो चीज़ अक्सर ये सब चीज़ें याद नहीं रहती ना, अब काउंटेबल एडिटिविटी उनको याद होगा जिन्होंने बार बार पढ़ा है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे टर्म्स है जो हम पहली बार में नहीं याद रख पाते हैं, जब बार बार रिवाइज करते हैं तो चीज़ें हम बहुत बारीकी से है ना, मतलब इंग्लिश से बोलते डीपली समझ पाते हैं, ओके सो आगे बढ़ता हूँ, तो ये तो था काउंटेबल टर्म तक है, फिर भी इसको काउंटेबल एडिटिविटी बोलेंगे, फाइनाइट टर्म तक कहाँ है सर, वो आई फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट है ना, हाँ तो इनफाइनाइट को काउंटेबल बोलते हैं ना, मतलब ये काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स हो गया ना, काउंटेबल में दो पार्ट आते हैं, लाइक नेचुरल नंबर, हाँ लाइक नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आर काउंटेबल सेट, इज काउंटेबल, नेचुरल नंबर जो सेट है वो इज काउंटेबल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्लियर हुआ, Yes, मतलब एक्चुअली आई फ्रॉम वन से इन्फिनिटी है ना, मतलब वन टू थ्री इन्फाइनाइट तक है, तो ये जो तुम देख रहे हो अगर इसको सेट में लिख दें तो ये काउंटेबल सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट कब होगा जहाँ एंड पॉइंट तुम्हें पता होगा वो फाइनाइट होता है, इसका एंड नहीं पता है हमें, तो इसलिए इसको हम काउंटेबल एडिटिविटी बोलते हैं, अगर इन्फाइनाइट की जगह मैं एन लिख दूँ यहाँ पे तो ये फाइनाइट एडिटिविटी हो जाएगी, क्योंकि वन से एन तक का सम ले रहे हैं, हमारे पास एन नंबर ऑफ सेट्स है, लेकिन अभी जो हमने लिखा उसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, मतलब ये एन के लिए भी ट्रू है, मतलब इसी फॉर्मूले को मैं लिखूं जैसे इस तरह से जैसे लिखा था पहले हमने कि लाइक मैं सर इसको काउंटेबल इनफाइनाइट बोल सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है काउंटेबली इनफाइनाइट, यू आर राइट काउंटेबली इनफाइनाइट,
ए वन ए टू ए एन, एन फिक्स कर दिया हमने, दीज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है. देन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज आई फ्रॉम वन टू एन, देखो एन नंबर ऑफ सेट्स का हम यूनियन ले रहे हैं. दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू समेशन ऑफ प्रॉबिलिटी ऑफ ए आईज आई फ्रॉम वन टू एन, ठीक है. सो इस फॉर्मूले का नाम होगा क्या होगा, countable finite finite additivity, finite हाँ, only finite काफी है, finite additivity, हाँ, finite additivity, हाँ, ये चीज है. पर finite infinite करने इसको finite बोल दिया उस वाले को infinite बोल, हाँ कर सकते हैं, लेकिन infinite में दो कैटेगरी मैंने तुम्हें शायद बताया होगा, तो बताया कि infinite दो तरह की होती है, जैसे होल रियल नंबर और नेचुरल नंबर, राइट. तो रियल नंबर वाला जो इनफाइनाइट है वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, और जो नेचुरल नंबर वाला इनफाइनाइट है वो काउंटेबल इनफाइनाइट. इनफाइनाइट के दो कैटेगरी है, आई थिंक मैंने बताया होगा, नहीं तो मैं वही बता देता हूँ, नहीं बताया तो, क्योंकि मैं बहुत सारे बैचेज पढ़ाता हूँ, मुझे याद नहीं किसने बताया किसने नहीं बताया. देखो सेट दो तरह के होते हैं, है ना, या तो एम्प्टी हो सकता है या नॉन एम्प्टी हो सकता है, मतलब कैटेगराइज कर रहा हूँ, तुम जितने जाओ, अभी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, एम्प्टी या नॉन एम्प्टी. अब नॉन एम्प्टी की दो कैटेगरी हैं, या तो फाइनाइट हो सकती हैं या इनफाइनाइट हो सकती हैं. अब इनफाइनाइट में दो कैटेगरी है क्या, काउंटेबल फाइनाइट इन, हाँ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, हाँ, लेकिन काउंटेबल को थोड़ा सा अलग से डिफाइन करते हैं हम, तो इसको बोलेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट, countably infinite, और दूसरा बोलते uncountably infinite. हाँ, जैसे इस कैटेगरी में बोला नेचुरल नंबर्स आते हैं, इस कैटेगरी में रियल नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स. मैं और भी एग्जांपल देता हूँ इसमें नेचुरल, जैसे इस कैटेगरी में नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, और ये इधर वाले कैटेगरी में है. इधर आता है इरेशनल नंबर क्यू डैश आर, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, और अगर मैं लिखूं नंबर इंटरवल्स, जितने भी इंटरवल्स हैं चाहे ओपन क्लोज, वो सब अनकाउंटेबली में आते हैं. ओके, तो रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल, इरेशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल. तो एक है काउंटेबली इनफाइनाइट और दूसरा अनकाउंटेबली इनफाइनाइट. तो यहाँ जो हम वर्ड यूज़ करें काउंटेबल, इसका एक अलग मीनिंग है. तो अगर हम कहीं बोलते हैं काउंटेबल सेट, अब इधर लिख देता हूँ अगले पेज, अगर कहीं तुम ये बोलते हो काउंटेबल सेट, तो इसमें एक्चुअली दो कैटेगरी है. एक्चुअली काउंटेबल में फाइनाइट भी हो सकता है या काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है, तो उस दोनों वर्ड को मिला के हम बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है ना. इसका मतलब हुआ आइदर फाइनाइट, अगर कहीं तुम काउंटेबल वर्ड यूज करते हो उसका आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, और काउंटेबली इनफाइनाइट. इस तरह से क्योंकि इवेंट भी एक सेट ही है, तो इवेंट सेट वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, तो है ना इस तरीके से. तो ये फॉर्मूला हुआ फाइनाइट एडिटिव, क्योंकि फाइनाइट कम लिया ना, फाइनाइट कम है मतलब एम्प्टी, फिर उससे ज़्यादा नॉन एम्प्टी, देन फाइनाइट, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट में दो कैटेगरी, काउंटेबल इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट. ओके, तो मतलब रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट हैं और नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट है, लेकिन दोनों इनफाइनाइट अलग अलग है, सेम नहीं है ना. देर आर इनफाइनाइटली, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं ना, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेकिन दोनों अलग अलग नंबर ऑफ इनफाइनाइट. अच्छा, देर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स एंड देर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने ही इंटीजर्स हैं, है ना. तो जो लोग थोड़े नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, जो पहले बार नहीं सुना, तो पहली बार थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, क्योंकि इंटीजर तो बहुत ज़्यादा है, माइनस वन भी इंटीजर, लेकिन माइनस वन तो नेचुरल नंबर है नहीं. लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने ही इंटीजर्स हैं, ठीक है. अगर इसको प्रूफ करना होगा तो तुम एक फंक्शन ढूंढ लो नेचुरल नंबर से इंटीजर में, जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, मतलब वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा. और प्रॉपर्टी ये होता है कोई एक फंक्शन सेट ए से सेट बी में बाइजेक्टिव है, मतलब वन वन ऑन टू दोनों है, तो इसका मतलब है कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी सेम है. कार्डिनलिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो वैसा बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी है,
तुम ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, किताब में पढ़ सकते हो। अब मजे की बात ये भी है कि जितने इरेशनल नंबर्स हैं उतने ही रियल नंबर्स हैं, मतलब कार्डिनलिटी सेम है इरेशनल नंबर की और रियल नंबर की, लेकिन रैशनल और रियल अलग अलग है। रैशनल की कार्डिनलिटी काउंटेबल नंबर होगा और रियल की काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबल है, दोनों अलग अलग है, इक्वल नहीं है। ओके, ये सब थोड़ा एनालिसिस में तुम पढ़ोगे अभी, ये है ना क्या बोला कि काउंट कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर सेम है कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर, सेम है कार्डिनलिटी ऑफ क्यू रैशनल नंबर, बट कार्डिनलिटी ऑफ रैशनल नंबर इक्वल नहीं है कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर, दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट इनफाइनाइट हैं। या कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर डिफरेंट है कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर से, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी डिफरेंट है रियल नंबर कार्डिनलिटी से। ओके, तो इसका यूज आएगा, अभी आगे मैं बताऊंगा तुम्हें कि कोई रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट कब होगा, कॉन्टिन्यूअस कब होगा। तो सिंपल डेफिनेशन है, जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबली इनफाइनाइट है, काउंटेबल ज़्यादा हो गया, काउंटेबल है तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट है, और जिसका रेंज अनकाउंटेबल है वो कंटिन्यूअस है ना, तो वहाँ आएगा है ना। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू क्यू, तो ये पक्का है कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। कहीं लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू आर, तो वो सॉरी एक्स बिलोंग्स टू क्यू है तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, और अगर एक्स बिलोंग्स टू आर है मतलब कैपिटल एक्स चौबी के लिए, तो वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा है ना। तो ये आगे अभी आएगा, मतलब रैंडम वेरिएबल में कि कैसे डिसाइड करोगे कोई रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट है, तो उसका रेंज सेट बताएगा। तो रेंज उसी काउंटेबल या अनकाउंटेबल में बेस्ट होगा। अच्छा, एक्चुअली एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है, ये नहीं मतलब, अगर मैं सेट थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं समझाने के लिए कैटेगराइज किया हूँ। मतलब हम मेनली ऐसे बोलते हैं कि सेट सिर्फ दो कैटेगरी के, अगर ब्रॉड सेंस में सोचोगे तो सेट आर ऑफ टू कैटेगरी, वन इज काउंटेबल, क्योंकि हम सेट थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे ही तुम्हें कैटेगराइज करें, काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। ओके, अब काउंटेबल सेट में फाइनाइट भी आता है जैसे बताया मैंने लास्ट में, और काउंटेबली इनफाइनाइट भी आता है। अब फाइनाइट में एम्प्टी सेट आता है, फाइनाइट में ही क्या होगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर ठीक से लिखूं तो ऐसा है, मैं क्या कहा, सेट जो है दो कैटेगरी में लिया है ना, एक हो सकता है काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। ओके, एंड काउंटेबल में दो कैटेगरी हो गया, या तो फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर फाइनाइट है तो इसके फिर दो कैटेगरी हैं, या तो एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट के कैटेगरी में आते हैं। ओके, एम्प्टी या हो सकता है नॉन एम्प्टी, मतलब वही कुछ एलिमेंट्स होंगे है ना, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, फाइनाइट में भी एम्प्टी और में भी नॉन एम्प्टी, और यहाँ एक ही है इसका कि अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट को हम अनकाउंटेबल बोलते हैं, लेकिन काउंटेबल बोलने का मतलब हो सकता है फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट भी, या वो फाइनाइट में एम्प्टी या नॉन एम्प्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन देखेंगे तो एक डेफिनेशन ये होगा कि जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबल है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज कॉन्टिन्यूअस है, रेंज को हम सपोर्ट भी बोलते हैं, है ना, जो लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं उनको सपोर्ट वर्ड पता होगा। तो जिस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट काउंटेबल है वो डिस्क्रीट है, जिसका सपोर्ट अनकाउंटेबल है वो कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये आगे आएगा, तो इसी बेसिस पे डिफाइंड है। और जहाँ अनकाउंटेबल सेट होता है वहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, जहाँ काउंटेबल सेट होता है वहाँ पे समेशन होता है, तो दोनों भाई भाई है, इंटीग्रेशन समेशन एक ही चीज़ है, बस डिफरेंस है कि किस सेट पे तुम बात कर रहे हो, है ना। तो समेशन और इंटीग्रेशन एक ही चीज़ है, दोनों को हम इंटीग्रेशन को भी समेशन ही बोलते हैं। तुम फॉरेन ऑथर्स की बुक्स देखोगे तो वो इंटीग्रेशन को भी समेशन ही लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो बस डिफरेंस है किस सेट पे समेशन हो रहा है। तो जब डिस्क्रीट सेट पे समेशन होता है उसको हम ये सिग्मा नोड यूज करते हैं,
और जब कॉन्टिन्यूअस सेट पे समेशन करते हैं तो उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे मान लो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया, डी एक्स यहाँ लिखते हैं और यहाँ एक्स का रेंज होता है लाइक समथिंग टू समथिंग, है ना, ए टू बी बोल दो, और यहाँ एक्स कॉन्टिन्यूअस में ए टू बी होता है। तो डिपेंड करता है कि डिस्क्रीट सेट है या कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब काउंटेबल और कॉन्टिन्यूअस मतलब अनकाउंटेबल। ओके तो ये ठीक है, मैं वापस आता हूँ वहाँ पे जहाँ पे थे हम, यहाँ पे। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके तो मैं अभी क्या डेवलप करना चाह रहा हूँ, इनइक्वालिटीज। तो ये तब है जब पेयर वाइज डिसजॉइंट है, अगर डिसजॉइंट कंडीशन हटा दे तब क्या होगा, तब लेस देन इक्वल। तो इसको जनरलाइज करते, जैसे मैं दो के लिए, यहाँ टू के लिए बात कर रहे थे, अब जनरलाइज बात करते हैं इसी में, है ना, ये रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे तो। सो टेंथ पॉइंट ये है कि जो ये इन जनरल है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन जनरल, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यूनियन ऑफ ए आईज है, तब अलग अलग लिखता हूँ मैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज, मतलब ए वन यूनियन ए टू, आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ले लो, और एक है समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज, आई फ्रॉम लाइक वन टू इन्फिनिटी, देर आर काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स, काउंटेबल इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इनइक्वालिटी, मोर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। किसी को कन्फ्यूजन हो तुम पूछ सकते हो, तो और भी जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है, या तुम एग्जाम्पल लेके कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हो। ओके तो इस तरह से है इन जनरल ये रिलेशन है। और इलेवेंथ पॉइंट अगर लिखूँ मैं, कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज जो होगा आई फ्रॉम वन टू एन, दिस विल बी मोर देन इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज। अभी देखो एक टर्म लिखा है, इससे छोटा था, लेकिन इसमें कुछ घटा दो, इस क्वांटिटी में मैं कुछ माइनस कर दूँ, और वो कुछ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ठीक है। और ये हमने लिखा था इंक्लूजन एक्सक्लूजन में, तो वहाँ मैंने ऐसे बताया था कि आई लेस देन जे एंड इट कैन टेक वैल्यू वन टू एन, तो इससे ज़्यादा हो जाता है, इससे छोटा है, देखो दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस, लेकिन राइट साइड में थोड़ा तो माइनस कर दी ये वाली क्वांटिटी इंटरसेक्शन वाली, तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, जो कि मैं यहाँ वही तुम्हें फाइनाइट के लिए बताना चाह रहा था, ये वाली देखो। मैंने ऐसे इस क्वांटिटी को पहले लिखता तो मैं ऐसे दिख जाता है ना, इसको अगर रीराइट करूँ मैं कि दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू दिस, तो इस पॉइंट को अगर मैं जैसे वहाँ लिखा हूँ उसी तरीके से लिखूँ, तो मैं कुछ ऐसा लिखता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट में क्या है, लेस देन इक्वल टू है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ ये मोर देन इक्वल टू हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब इस ये तो इससे ये ज़्यादा था, अब इसमें कुछ माइनस कर देते हैं, सो ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ओके सो ये क्या किया, टू टू का कॉम्बिनेशन जितने हो सकते हैं वो बना के माइनस कर दिया, और फिर इसी को मैंने मिक्स करके यहाँ लिखा था नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ एंड सिक्स पॉइंट को मिक्स करके यहाँ मैंने सेवेंथ पॉइंट बनाया था। ओके एंड पेयर वाइज डिसजॉइंट है तब इक्वालिटी आएगा, नहीं है तो लेस देन इक्वल टू आएगा, जो कि हम यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं उसको यहाँ पे। अब फिर टेंथ और इलेवेंथ पॉइंट को मिला दो एक साथ, है ना, सो टेंथ इलेवेंथ पॉइंट को अगर तुम मिक्स कर दोगे क्या होगा, तो एक साथ मैं लिखूँ टेंथ और इलेवेंथ पॉइंट को लाइक पॉइंट नंबर ट्वेल्व, तो इसमें ये लिखा हमने कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे आई लेस देन जे इट इज़ फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, दिस इज मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ओके तो इसको बोलते हैं अपर बाउंड हो गया, और इसको बोलते हैं लोअर बाउंड इस क्वांटिटी का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज का, ठीक है,
इसको इधर राइट साइड जो होता है उसको बोलते हैं अपर बाउंड, है ना। अपर बाउंड मतलब इससे लार्जर क्वांटिटी, और इधर जो है ये वाला है लोअर बाउंड जो इससे छोटी है, है ना। तो लेस देन है, सो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों पता है। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, किसी को पता है? बाउंड्स इनइक्वालिटी। अगर अलग अलग बुक्स में तुम्हें अलग तरीके से मिलेगा, बट इफ यू फॉलो द रोहित। अच्छा, उसमें क्या लिखा है गुप्ता कपूर में? सर गुप्ता कपूर ने देखा, लेकिन बॉल्स इनइक्वालिटी है। हां, उसको बॉल्स इनइक्वालिटी बोलते हैं। सोल्डन रॉस में देखा। हां अच्छा, सोल्डन। लेकिन यहां पे रोहित की में देखोगे तो इसका नाम इन्होंने दिया बोन फेरोनी इनइक्वालिटी। तो मतलब सब रिलेटेड ही है एक्चुअली, इससे ही डिराइव्ड है। बट इफ यू सी इन रोहित की, वीके रोहित की, सो दे नेम इट लाइक हां बोन फेरोनी इनइक्वालिटी। तो ऐसे नाम से एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, कि क्योंकि यहाँ भी अगर कन्फ्यूजन है तो। सो बट ये सब एक्चुअली इनके नाम पे होता है कि इन्होंने दिया था, है ना। तो उनके नाम पे वो फर्स्ट टाइम जब फॉर्मूला देते हैं, पेपर पब्लिश करते हैं, तो उस केस में। सो इनइक्वालिटी, ठीक है। सो वी के रोहित की में ये नाम है, तो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, इनको ना तो मैं जानता था ना तुम जानते हो बोन फेरोनी के, ना इसने, तो हम तो जो बुक में लिखा वही फॉलो कर रहे हैं। फाइन, मतलब फॉर्मूले तो मेन काम है कि फॉर्मूला याद रखना कि व्हाट इज दिस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आईज का अपर बाउंड है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज, एंड लोअर बाउंड है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे, वेयर आई जे आर 1 टू इनफिनिटी। ओके, एंड ठीक है। अच्छा, बूल्स इनइक्वालिटी को जो वीके रोहित की में देखोगे, सो दे राइट इन अदर वे। क्या लिखते हैं उसको सर? जी, सिलेबस में ऐसे करके लिखा है बूल्स एंड बोन फेरोनी इनइक्वालिटी, इसका मतलब कहीं। हाँ, बूल्स इनइक्वालिटी अलग है, बोन फेरोनी अलग। बूल्स लिखाता हूँ भी क्या है, ठीक है। जी जी जी, तो अभी जो लिखा है ये बोन फेरोनी इनइक्वालिटी है, क्योंकि मैं रोहित की वो फॉलो कर रहा हूँ, तो उसी के नेम को जो उन्होंने दिया उसी के नेम को। जी सर, ये गुप्ता कपूर में इन्होंने इसको बूल्स कहा है। हाँ, वो रॉस का ही बता रहा है, उसमें यही कहा है। सो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच फिर कन्फ्यूजन होगा ऑथर के बीच, अब डिपेंड करता है हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बच्चे हैं इनके सामने। रॉस है, रॉस तो मतलब रॉस तो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, जो एस एम रॉस है। तुम उसकी बुक है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। हाँ, वही। हाँ, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वो बड़ा एलिमेंट्री बुक है और अच्छी बुक है, मतलब मैंने देखा है तो इस तरह से। और ये जो वी के रोहित की, ये भी यूएस में प्रोफेसर है, ये किस यूनिवर्सिटी में है। सो अब इनके बीच में ही कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम क्या करें, हम किसी एक को फॉलो कर लेते हैं। सर, ये नॉर्थ कैरोलिना लिखा है पीछे। हाँ, वैसे कुछ। हाँ, तो वहाँ प्रोफेसर, ये भी यूएस में प्रोफेसर है। सो जहाँ तक हमको मालूम है कि रॉस में भी बोन फेरोनी ही लिखा हुआ था, इसीलिए हम भी जाके गुप्ता कपूर में बूल्स इनइक्वालिटी के बगल में बोन फेरोनी लिख दिए थे। ओके, तो बस चेक कर लेना, मतलब है ना, क्योंकि अब हम किसी को सही गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि हम है ना, हम भी बहुत छोटे हैं, हम तो सीख रहे हैं अभी, तो ऐसा है। और ये सब भी कैसे जाने, इनका पेपर देखना पड़ेगा फिर, बोन फेरोनी ने जो पेपर पब्लिश किया होगा। सो लाइक फर्स्ट टाइम है ना, जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ प्रूफ करते हैं, फिर वो बुक्स में तो बाद में आती है ना, जब कोई बुक लिखता है तो फिर वो पेपर्स पढ़ते हैं क्या रिजल्ट, रिसर्च पेपर। हाँ, पीएचडी करने वाले लिखते हैं। मतलब पहली बार कोई फॉर्मूला कैसे आता है, जैसे मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, मैंने कुछ नया रिजल्ट दिया पेपर में आया, फिर कोई दूसरा बंदा बुक लिख रहा है तो मेरा पेपर पढ़ेगा, फिर उसको सिलेबस में ऐड करेगा तरह से, है ना। और जो हाथ की बुक तो अभी रिसेंटली लिखी गई है, आई थिंक 2010 के बाद लिखी गई है, मुझे लगता है। कौन सा एडिशन है? 2001। ओके, 2001 के बाद लिखी गई ना, 2001 में। तो उससे पहले जितने पेपर्स होते हैं ना, उसको इन्होंने इंक्लूड किया है। वही है, ठीक है। बोन फेरोनी से कंटिन्यू करते हैं, और रोहित के हिसाब से अगर देखोगे तो बूल्स इनइक्वालिटी क्या है, जस्ट यू चेक कर लेना, ऐसे नाम जैम में नाम से वो नहीं आएगा कि लाइक बूल्स इनइक्वालिटी इज फॉलोइंग, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा वो, क्योंकि ये चीज उन्हें ही पता है। तो जो आपने इनइक्वालिटी में एक बार बोर्ड दिखा दीजिए, ये वाली ना दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर, तो इसमें ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ एआईज का बाउंड पता है तुम्हें, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड पता है। ओके, और बूल्स इनइक्वालिटी भी वही देता है, उसका बाउंड ही बताता है। अच्छा, इसका जनरल, इसको ये कहीं ना कहीं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आया ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन में इसको तुम देख पाओगे। तो अच्छा, इसको जैसे मैंने इनफाइनाइट के लिए लिख दिया है, लेकिन इन लोगों ने फाइनाइट के लिए लिखा है, तो इट्स ओके टू हैव फाइनाइट।
देखना पड़ेगा जनरलाइज करके ट्रू है कि नहीं है. सो लेट्स साइड फॉर द फाइनाइट. तो प्रॉबर्टी ऑफ यूनियन ए इज आई फ्रॉम वन टू एन एंड दिस. अच्छा इसको प्रूफ, अगर एन आ गया तो प्रूफ करने का तरीका तुम वो यूज कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना. इंडक्शन से प्रूफ किया जा सकता है, इनको वन रख के देखो, टू रख के देखो, थ्री रख के देखो. सो पहली बार टू रख के देख लो उससे, है ना, इजिली दिख जाएगा. थ्री रख के देख लो, वो जो टू रख के जो एक रिजल्ट आता है कि मैक्सिमम ऑफ पी ए बी पी बी और वो लेस देन इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ वन एंड पी ए प्लस पी बी, वो कैसे कैसे आता है. हाँ वो जैम में आया हुआ क्वेश्चन तुम बता रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन जैम में आए हुए हैं. तो वो सब करते हैं, वो आ जाएगा. देखो अभी पेपर ओपन करेंगे आज जैम का ना, पेपर्स करेंगे इसका एप्लीकेशन. यस सर. हाँ जैसे अभी तो हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तुम इसको जैसे हम अभी क्या हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, अब इसको तुम एप्लीकेशन तुम कर सकते हो. जैसे तुम रिसर्च करोगे मतलब, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मैथमेटिकल थ्योरी पे बेस्ड हैं, तो ये थ्योरीज वहाँ अप्लाई करने में काम आती है ना. जैसे तुम रिलायबिलिटी थ्योरी है, जैसे अब रिलायबिलिटी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो क्या है कोई सिस्टम के उस पर बताता है कि उसकी लाइफ क्या है, कब तक चलेगी. जैसे मशीन का है ना, जैसे मान लो कोई मशीन एटीएम ही है, तो मतलब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है ना कितने दिन चलेगी, या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया तो उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है. जैसे अभी कोविड का ले लो एग्जांपल, जैसे कोविड में मतलब अभी इनडायरेक्टली तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम अभी ग्रेजुएशन कर लोगे, तुम आगे जब जाओगे मास्टर्स या पीएचडी करोगे तुम्हें समझ आएगा, या डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा ओके कि लोगों ने कैसे इसका यूज़ किया है. मतलब क्योंकि एकेडमिक्स में इतना एप्लीकेशन बेस्ड नहीं बताते ना, लेकिन उसके लिए तुम्हें रिसर्च पेपर्स पढ़ने होंगे जिसमें तुम्हें इसका एप्लीकेशन दिखेगा. अभी तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं ना. तो पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले कौन सी थ्योरीज सीख रहे हैं, तो ये भी थ्योरीज में क्या डिफरेंट क्वेश्चंस में इसको हम अप्लाई करेंगे. मतलब ये सब जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो हमें तो वो सॉल्व करेंगे. अगर रियल लाइफ का देखना है तो उसके लिए तुम्हें भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ साल बाद समझ आएगा. ओके मतलब बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिकल थ्योरीज पे बेस्ड है ना. आगे बढ़ता हूँ, तो व्हाट इज बूल्स इनइक्वालिटी देन. इसमें यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना, लाइक जनरलाइज भी कर सकते हैं. अभी मैं इसको लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. तो दिस इज मोर देन इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. अच्छा इसको तुम अगर प्रूफ करना चाहो तो ये तो पर्टिकुलर केस है, इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो इजीली. सो हाउ कैन यू प्रूव इट अगर करना चाहो तो तुम्हें दिखेगा फॉर्मूला कैसे आया ना. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैं ट्राई करता हूँ प्रूफ करने का, लाइक टू सी हाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. इसको खोलोगे तो क्या आएगा, ओपन करो इसको. सर ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा उससे करना चाहते हो. अभी ऐसे करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है. और एक्चुअली मुझे ना ये टर्म चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मुझे ये टर्म चाहिए था, पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसलिए मैंने ऐसा किया. अब हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए. इंटरसेक्शन तो है नहीं, तो यहाँ से इंटरसेक्शन मुझे मिल सकता है कैसे, हम अगर इसको लिख दे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना. इस क्वांटिटी कैसे लिख सकते हैं, और इक्वल टू है पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. अच्छा अब देखो तुम्हें यहाँ तीन टर्म ही चाहिए, तो तीन टर्म इन द सेंस कि प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट और इधर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बाकी टर्म को तुम्हें इनइक्वालिटी के लिए यूज करनी है, तो मैं इसको एक स्टेप और लिखूंगा. तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉम्प्लीमेंट का रूल यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी,
ओके एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अच्छा मुझे इस टर्म को रिमूव करना है, लास्ट वाली जो टर्म है उसको रिमूव करना है. रिमूव करना क्यों है, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है मेरे पास उसमें ये टर्म है ही नहीं. नो प्रॉब्लम, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. ओके तो इसकी वैल्यू अगर फाइन कर लो, इसको एक साइड रख लो, बाकी को दूसरे साइड भेज दो. तो नेक्स्ट साइड पे लिखता हूँ मैं. सो अगर मैं लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, लास्ट वाली क्वांटिटी को एक साइड लिख लेता हूँ, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट, और ये इक्वल आएगा वन माइनस जो पहले से है वहाँ पे, वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये राइट इन क्वांटिटीज को भी लेफ्ट में भेज दो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, जस्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इधर से उधर टर्म को ले जा रहा हूँ. अब बताओ इसके बारे में तुम क्या जानते हो? आवाज नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम आई थिंक. हाँ तुम बोल रहे हो, लेकिन उतना नहीं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मोर देन इक्वल टू जीरो होगा जी, सिंस प्रोबेबिलिटी है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सेट अंदर कुछ भी हो, इवेंट कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, हम बोल सकते हैं मोर देन इक्वल टू जीरो है. तो यहाँ लिख रहा हूँ सिंस दिस, और इसके जगह पर ये रख दो, तो इसके जगह पर रख देंगे वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मोर देन इक्वल टू जीरो. अच्छा हमारा एम ये था, जब हम प्रूव करते हैं ना ये एम लेके चलते हैं, हमें ऐसा लाना है, तो इंटरसेक्शन को एक साथ रख लेते हैं, एक साइड रख लेते हैं. तो इंटरसेक्शन को तुम राइट में भेज दो अभी, तो वन माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट मोर देन इक्वल टू इंटरसेक्शन को राइट साइड में भेज दिया, तो हो गया, यही तो लाना था. तो यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक से लिख रहा हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट. तो प्रूफ मैंने इसलिए किया, जस्ट आई वांट टू सी कि कैसे इन्होंने किया होगा, मतलब जैम में प्रूफ तो नहीं आता ना इस तरह से, बट उससे थोड़ा याद भी रहेगा तुम्हें. ओके तो ये इस इनइक्वालिटी का नाम दिया गया है बोल्स इनइक्वालिटी इस बुक में, ठीक है. अब हो सकता है कि इसका नाम गुप्ता कपूर ने बोनफरेन दिया हो, ऐसा है क्या सर? हाँ सर एक साइड जरा पीछे करिएगा प्लीज सर, गुप्ता कपूर में तो बोनफरेन है ही नहीं. अच्छा है ही सर, नहीं सर, ये 13 पॉइंट की स्टार्टिंग में शायद शायद उल्टा लिखा. अच्छा अच्छा एक मिनट उल्टा तो नहीं, ये तो सही लिखा है, मैंने प्रूफ में कुछ गड़बड़ किया है, एक मिनट चेक कर, प्रूफ मैंने कुछ गड़बड़ किया है, एक मिनट जस्ट चेक इट. सर वो माइनस साइन ही नहीं दिया आपने. ओके कौन सा वाला माइनस? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को. एक मिनट यहाँ तक ठीक है, जस्ट चेक करो पड़ी. अच्छा वर या यू राइट राइट, हाँ मतलब तुम ये कह रहे हो कि इसको जब हमने एक साइड लिया है, सो लाइक हमने उसको उस तरफ भेजा तो माइनस इसका, ये माइनस हमने, क्योंकि मैं इस टर्म को लेफ्ट ले गया हूँ तो माइनस भूल गया मैं, तो प्रूफ में गलती हुई है थोड़ी सी. या ठीक है तुम लोग ध्यान से देखते हो ना वरना. तो यहाँ एक्चुअली क्या था, यहाँ मैं माइनस को मिस कर दिया गलती से, क्योंकि एक्चुअली इस टर्म को मैं लेफ्ट में लाया हूँ तो यहाँ माइनस रहेगा, मैं चाहता था उसको इधर लाना, इसको उधर लाना था, तो वो मैंने ऐसा किया है यहाँ पे. मतलब तुम अपने तरीके से कर सकते हो कैलकुलेशन. तो अब ये नेगेटिव है, हाँ तो ये माइनस मैं भूल गया, तो अब माइनस होने की वजह से ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू जीरो हो गई, तो हर जगह इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. तो ये मिस्टेक मैंने किया है. सो लाइक है ना, अब ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू है तो माइनस ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू जीरो, तो माइनस वाले की वैल्यू ये है, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से क्या किया फिर मैंने, ए इंटरसेक्शन बी को राइट में भेजा है, तो ये मोर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी मोर देन इक्वल टू जीरो, सो दिस थिंग्स, ठीक है, वेरी गुड, ओके थैंक यू, है ना. तो गलतियाँ ऐसे हो जाती हैं, तो लोग सब ऐसे हो जाती होंगी, जिस समय ध्यान रखना है लेकिन ऐसे सिली मिस्टेक्स ना हो. ओके तो ये मैंने प्रूफ ट्राई किया, लाइक दिस इज अ प्रूफ. सो दिस इनइक्वालिटी इसको जनरलाइज कर लेते हैं, अभी दो के लिए लिखा ना, इसको तीन के लिए भी लिख सकते हैं. जैसे मैं अगर 14 नंबर लिखूं, इसी
तो इसमें ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी मोर देन इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, है ना, डैश लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट सी से आउट टाइप डैश। तो इस तरीके से इसको और जनरलाइज कर सकते हैं, है ना, चार के लिए पाँच के लिए। तो इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ए आई आई फ्रॉम वन टू एन दिस विल बी मोर देन इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वा इंटरसेक्शन होगा यूनियन की जगह। अच्छा यहाँ यूनियन ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दिस विल बी लाइक ए टू कॉम्प्लीमेंट एंड डॉट 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 सो ऑन, लास्ट में माइनस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन कॉम्प्लीमेंट। ओके सो अच्छा, तो इसी को थोड़ा मैं अगर ठीक से लिख दूं, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आईज आई फ्रॉम वन टू एन दिस इज मोर देन इक्वल टू वन माइनस, और इसको एक साथ लिख लेते हैं समेशन, माइनस कॉमन ले लोगे तो समेशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज कॉम्प्लीमेंट and here I varies from 1 to n, okay, check karo. So probability of intersection of ai's is more than equal to 1 minus summation of probability of ai's complement. So agar tumhe ya 2 ke liye yaad hai to usko generalize kar lo, jaise tum yaad ye rakhna starting mein, then you can generalize it, to humne bas isko generalize kiya hai 2 ke baad, fir isko 3 ke liye likha, matlab ye 2 ke liye tha, यहाँ तीन के लिए लिखा, फिर इसी को जनरलाइज कर दिया, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए आई का प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू दिस। सो दिस डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब उनमें इस तरह के इनइक्वालिटी होंगे, मतलब याद रखना पड़ेगा फिर। हाँ तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाइक तुम्हें तो प्रूफ याद रखो या थोड़ा ऐसे इनइक्वालिटी है ना लिख लेके प्रैक्टिस कर लो या विजुअलाइज कर लो इसको, कि ताकि याद नहीं भी है तुम इसको वो कर सको, एटलीस्ट कंपेयर कर सको दोनों साइड। ठीक ठीक है सर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए, अभी मैं पेपर दिखाऊंगा तुम्हें अभी जस्ट, सो इस तरह क्वेश्चंस आए हैं, उसमें ऑप्शंस होते हैं व्हिच वन इज मोर व्हिच वन लेस, एक बार थ्योरीज देख लेते फिर मैं क्वेश्चंस अभी जैम का याद कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट लेंगे। तो जैसे क्या है और ये है कि जैसे तुम लोगों को फॉर्मूला बाकी तो पता ही होगा ना, इस तरह क्वेश्चन हैं, ये सब प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं प्रॉबर्टी का। 14th पॉइंट ये है कि लाइक जैसे अभी तुमने हमने ये लिखा है पहले भी ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए, 15 में अगर मैं पूछूं प्रॉबर्टी ऑफ ए माइनस बी तो ये सबको पता होगा, है ना, जैसे यहाँ पे क्या प्रॉबर्टी ऑफ ए माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो जैसे ए माइनस बी जो पोर्शन है वो ये वाला है, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, बी ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ऐसे ही तुम अगर इसके लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, तो सिमिलर वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन। अच्छा फिर ये भी हमने पहले देख रखा है कि ए माइनस बी लिखना सेम है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखने के, तो कभी कभी बुक में ऐसा लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट या ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके सो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि तुम लोग पहले से भी जानते होगे, ये सब बेसिक प्रोबेबिलिटी के ही फॉर्मूले हैं। एंड एक टॉपिक उसमें और था ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, तो मैं उसके एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ तुम्हें। जैसे सिलेबस देखोगे ना तो लाइक यहाँ देखो ये बोल्स और बोनफेरोनी इनइक्वालिटी के पहले एक वर्ड यूज़ किया है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ तुम लोगों का लॉजिकल थिंकिंग चेक करने के लिए, मतलब ऐसे कर लोगे तुम लोग इजीली। तो ज्योमेट्रिक उससे रिलेशन लाइक कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्योमेट्रिक फिगर से थोड़ा रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल एक दो मैं क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ। सो ये है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो सिंपल एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं और मुझे लगता है तो लोग इजीली कर देंगे।
जैसे कोई लाइन है जिसका लेंथ है, चलो मैं भी लेता हूँ ये 0 से लेके 10 तक है सपोज, ठीक है। सो इफ वी सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन इंटरवल 0-10 एट रैंडम, एट रैंडम मतलब कोई प्लान नहीं है, फिक्स नहीं प्लान ना, एट रैंडम मतलब लाइक इट इज नॉट फिक्स तुम कौन सा पॉइंट चूज करो, रैंडम है। सो वी सेलेक्ट अ पॉइंट, या कोई पेन गिरा रहा है ना तो उस इंटरवल पे, तो कहाँ पे कौन सा पॉइंट सेलेक्ट होगा इस बीच में, पता है तुम्हें? पॉइंट मतलब कहीं भी हो सकता है, अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट। ओके, सो इफ यू सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन द इंटरवल दिस एट रैंडम, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a selected point lies in interval 8 to, या थोड़ा सा मैं वो करता हूँ, interval 6 to 8, बताओ। by 10 होगा, 1/5। ये लॉजिक क्लियर समझ आ रहा है सबको? हाँ सर, favorable length है ना, तो ये लेंथ से रिलेटेड है। ओके, तो जैसे इसका सॉल्यूशन अगर देखना है, मतलब हमें बता रखा है कि हमें इंटरवल 0 से 10 में सेलेक्ट करना है, मतलब सैंपल स्पेस का अभी हमारे पास वो है 0 टू 10 टाइप का है, और प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि बताओ जो सिलेक्टेड पॉइंट है वो 8 टू 10, 8 टू 6 टू 8 होगा, लाइक यहाँ 5 है मान लो, तो इधर 6 ले लो, इधर 9, 8, 7 है ना, तो क्या चांस है कि ये इस इंटरवल में तुम्हारा पॉइंट ये इस इंटरवल में। ओके, तो सिंपल है, अब तुम्हें इससे कहीं कहीं लेंथ से रिलेटेड है, लाइन है तो लिख दिया। सो अगर उसका सॉल्यूशन देखोगे तो सिंपल है, लाइक योर 0 टू 10 है, तो जो सैंपल स्पेस हमने ऐसा लिया है 0 टू 10, और हमारा जो इवेंट है लाइक ए इवेंट बोल देता हूँ वो है 6 टू 8। अब प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंट ए सेट में आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यहाँ लेंथ से रिलेटेड है ना, सो यहाँ क्या होगा, सिंपली हम ऐसे डिफाइन करेंगे लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ओमेगा, इस तरह से डिफाइंड है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, ये तुम्हारे लॉजिकली तुम्हें सोचना पड़ेगा कि लाइक इंटरवल है तो क्या प्रोबेबिलिटी 0 टू 8 में होते, लाइन है तो ऑब्वियसली लेंथ का कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, तो मेजर जो है इसका लेंथ है। एंड सो ए का लेंथ है 2, इंटरवल है, और इसका लेंथ है 10, तो 2/10 होता है 1/5। इसमें किसी को डाउट है? सर ओपन करके तो भी ऐसा नहीं कर सकते, आपका आवाज क्लियर नहीं, आप चैट में लिखो, मुझे ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा। सर ओपन ब्रैकेट रहेगा तो भी लेंथ सेम रहेगा, ओपन क्लोज में लेंथ डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि पॉइंट का लेंथ 0 होता है, ठीक है? ओके सर, पॉइंट का लेंथ 0 माना है, मतलब तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का लेंथ 0 है, तो इंटरवल के लेंथ में वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो लेंथ ओपन इंटरवल हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, है ना, उसमें सेम ही रहेगा लेंथ। ओके, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। सो सेकंड क्वेश्चन है जैसे कि इफ वी ड्रॉप चलो पेन, ओके, इन अ स्क्वायर, लाइक मैं एक स्क्वायर देता हूँ तुम्हें, या मैं ऐसा करूँ कि ठीक है, मैं ऐसा तुम्हें समझाया था ना, मान लो ये 0 है और सपोज हेयर इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5 5, सो यू अज्यूम इट लाइक ये ओरिजिन है, चलो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो वैसे क्लियर रहेगा, ठीक है? तो ये है स्क्वायर इन अ 5x5 स्क्वायर, अभी मैं लिख रहा हूँ एज सोन इन फिगर, ये ऐसे हो सकता है, विच हैव कॉर्नर लाइक दिस, ये ऐसे में लिख दूँ, विथ वर्टिसेस, वर्टिस क्या होगा, 0 0 5 0 0 5 and 5 5। ओके, नाउ क्वेश्चन है कि इफ यू ड्रॉप अ पेन या पॉइंट, है ना, इफ़ यू सेलेक्ट अ पॉइंट, लाइक पेन करेगा, इफ़ यू सेलेक्ट अ पॉइंट, जैसे मैं लास्ट टाइम लिखा था वही वर्ड लिखता हूँ,
इफ वी सेलेक्ट अ पॉइंट इन अ 5x5 स्क्वायर विद वर्टिसेस दिस. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पॉइंट विल लाई in a triangle with vertices point will lie in या belongs to है ना बात वही line तो belong will a triangle with vertices let's say 0, 0, 4, 0 and 0, 4. बताओ क्वेश्चन क्लियर है. so, मैं ट्रायंगल ही बना देता हूँ. सो लाइक 4, 0 कहीं यहाँ पे होगा एंड ये 0.50 है. दिस इज 0.5 पॉइंट एंड यहाँ कहीं कहीं 0.4 होगा. तो ये ट्रायंगल है. तो क्वेश्चन ये सो ये फिगर देख के तुम्हें खुद ही लॉजिक क्लियर होगा. वो लाइन इज वन डायमेंशनल. ये जो मैं बना रहा हूँ हाँ प्लेन इज टू डायमेंशनल. ओके सो वन डायमेंशनल में लेंथ की बात करते हैं. टू डायमेंशनल है तो एरिया की बात करेंगे. ओके सो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी वो जो पॉइंट सेलेक्ट किया वो इस ट्राइंगल में आएगा. तो यहाँ पे क्या है अब जैसे सॉल्यूशन लिखेंगे तो ऐसा है कि लाइक ओमेगा हमारा है ऐसे स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं. तो इस तरह से अगर तुम्हें ये क्लियर हो रहा हो तो नोटेशन तो इस टाइप का हो गया कि सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट एक्स एंड वाई बोथ आर बिटवीन 0 and 5. ओके तो इस तरह से लिख दिया. मतलब ये याद समझ लो स्क्वायर है. ये सब नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है. तुम सिर्फ ये समझो कि लाइक ओमेगा इज दिस स्क्वायर. ओके तो लाइक ओमेगा जो है वो स्क्वायर जो फिगर बना वो है और ए जो यहाँ है ट्रायंगल है जो बना रखा है. अब क्वेश्चन ये है क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंट ए में लाई करेगा. तो यहाँ क्या होगा मेजर मतलब प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे एरिया ऑफ रीजन ए. एरिया ऑफ रीजन ए अपॉन एरिया ऑफ रीजन ओमेगा. अब ट्रायंगल मैंने जो लिया है वो बस मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था. तो ये इज अ स्क्वायर है ना मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ इंटू 4 into 4 और स्क्वायर है तो 5 into 5 सो लाइक 8/25. ठीक है तो ये बस यहाँ बताने का मतलब ये था तुम्हें ये समझ आए कि यहाँ जब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब मैं प्लेन में बात कर रहा हूँ तो उस रीजन का एरिया कंसिडर होगा एज अ मेजर. लाइन पे बात कर रहा हूँ तो लेंथ. ओके अगर मैं 3D लेता हूँ जैसा कि मैं अगर सिलेंडर ले लूँ तो जैसे एग्जांपल के तौर पे तो उस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे फिर हम ना. जैसे मान लो मैं इस तरह कोई बनाता हूँ क्वेश्चन मैं खुद से ही कंस्ट्रक्ट करूँ लाइक इस तरीके से है और सपोज ये तो वो हो गया और इस तरह से मैं कोन कंस्ट्रक्ट कर लूँ. ठीक है सो लाइक सेंटर ये रेडियस आर है हाइट एच है इस तरह से. सो हाँ सही तभी दिया आपको ना जब गेट पे उतरेंगे ना तो जस्ट गेट पे यहाँ ठीक है ना. तो अगर इस तरह कोई क्वेश्चन लूंगा मैं कि लाइक वी आर कंसिडरिंग सम पार्ट ऑफ दैट 3D फिगर तो उस केस में क्या होगा किसकी बात करेंगे. वॉल्यूम डिवाइड हाँ वॉल्यूम ऑफ दैट कोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना 1/3 आ जाएगा. हाँ तो इस तरह से हाँ तो तुम्हें फॉर्मूला पता होगा 1/3 πr² h और अपॉन πr² h. मगर इस तरह कुछ बनाऊँ तो मैं वैसे समझा रहा था. सो लाइक इस तरह से हो जाएगा. तो कहने का मतलब क्या ये 3D फिगर है तो यहाँ वॉल्यूम एज अ मेजर काउंट करें कुछ अगर पार्ट में ले रहा हूँ तो इस तरीके से. ओके तो ये बस समझना. अब मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ जो जैम में पूछा गया था. मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ उसको तुम्हें ट्राई करना. सो द क्वेश्चन इज तो ये तो बस है ना बैकग्राउंड में तो बस समझा रहा था कि ज्योमेट्रिक में प्रोबेबिलिटी का क्या रिलेशन है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज क्या उनका मतलब. जैसे क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एन इंटरवल ऑफ लेंथ वन, ठीक है, इंटरवल ऑफ लेंथ वन इज डिवाइडेड इनटू से मान लो जीरो वन, मतलब एक इंटरवल है जीरो वन का, इस तरह का इंटरवल है जीरो और वन, सो एन इंटरवल ऑफ लेंथ वन, सो से मतलब अज्यूम कर लो वो इंटरवल जीरो वन का है, ओपन या क्लोज चलेगा, सो जीरो वन इज डिवाइडेड इनटू थ्री इंटरवल्स, इज डिवाइडेड इनटू थ्री इंटरवल्स, ओके, सो एक इंटरवल है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सो इंटरवल ऑफ लेंथ वन इज डिवाइडेड इनटू थ्री इंटरवल्स, बाय चूजिंग टू पॉइंट एट रैंडम, है ना, बाय चूजिंग टू पॉइंट एट रैंडम, ठीक है, बाय चूजिंग टू पॉइंट एट रैंडम, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द probability that the three line segment form a triangle, three line segment so obtained, जब तुम दो point select करोगे तो तीन line segment बनाएगा, obtained forms या फॉर्म अ ट्रायंगल, क्योंकि देर आर मोर देन वन लाइन सेगमेंट, फॉर्म अ ट्रायंगल, क्वेश्चन क्लियर है, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, लाइक ऐसा है कि ये एक इंटरवल है जीरो टू वन लेंथ का, तुमने यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट किया एट रैंडम, ठीक है, फिक्स नहीं यहाँ, सो लाइक सपोज ये पॉइंट शुरू में है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, तुमने बी सी डी, सी मतलब ऐसा है, तो क्या होगा जब बी और सी तुम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, ए और डी तो फिक्स है, ठीक है, ए फिक्स है और डी फिक्स है एंड पॉइंट, बी सी तुम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, तो एक लाइन सेगमेंट ए भी मिलेगा, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, अब इन तीन लाइन सेगमेंट को यूज करके ट्रायंगल बना सकते हैं, तो क्वेश्चन ये है, ये जो ट्रायंगल बनाओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रायंगल बनाएगी, तो पहले तो मुझे एक कंडीशन ये बताओ कि ट्रायंगल के तीन साइड के बीच क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन द अदर साइड, रिपीट करो थोड़ा सा गलत, ग्रेटर सर किसी दो साइड का सम करेंगे ना तो तीसरे वाले से ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही एग्जैक्टली, स्ट्रिक्टली मोर देन होगा, कभी इक्वल भी नहीं आएगा, हाँ राइट, तो यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ट्राई करो, ये जैम में आ चुका है इस तरह क्वेश्चन, अच्छा हिंट मैं थोड़ा और दे सकता हूँ कि लाइक यू सेलेक्ट दिस पॉइंट एज एक्स, दिस पॉइंट इज वाई, सो इसका लेंथ हो जाएगा एक्स, इसका लेंथ हो जाएगा वाई माइनस एक्स, लेंथ हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है, इस तरह से लाइक कि एक्स कोई नंबर है जीरो से वन के बीच का, वाई भी कोई नंबर है जीरो से वन के बीच का, सो पहले वाले का लेंथ एक्स होगा, दूसरे का वाई माइनस एक्स, तीसरे का वन माइनस वाई, इस तरीके से,
वन बाय टू होगी यहाँ पे, क्योंकि तीन इनइक्वालिटीज बनेगा और उसको सम करते हैं तो रिलेशन वही हर। सर वन बाय फोर आ रहा है। ओके क्योंकि तुमने एक केस कंसीडर किया है। ओके देखो सर आप ही बता दीजिए। हाँ मतलब हो ही नहीं रहा है। सो पहला केस ऐसा है, हमने कोऑर्डिनेट लाइक एक्स वाई है ना, जैसे मैंने कहा कि this length is x, this length is y minus x, this length is 1 minus y, but actually x y दो different point है, ठीक है ना। so हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक दूसरा दो केस बनते हैं actually, ठीक है, दो केस ले बनते हैं कि you can take y first, you can take x later, so ये length y रहेगा, ये length x minus y रहेगा, ये length 1 minus x रहेगा। length निकालना पता है सबको, right end minus left end interval का length। इस वाले का लेंथ y, इस वाले का लेंथ x minus y, इस वाले का लेंथ 1 minus x। दो का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के हाफ है। ओके हाफ आ रहा है ना। हाँ क्योंकि आई थिंक एक केस में 1 by 4 आएगा, दूसरे केस में 1 by 4 हाँ ऐड हो जाएगा, तो आप आई थिंक करेक्ट है। हाँ देखो एक चीज तुम नोट कर सकते हो, टोटल हाँ सर यहाँ दो केस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि सर वो तो कह रहा है एट रैंडम कोई भी दो पॉइंट ले लो तो एक्स बढ़ाओ वाई बढ़ाओ, बात तो एक ही है। नहीं कह रहा है ना, एक्चुअली जब ग्राफ बनाएंगे ना तो फर्क पड़ेगा ज्योमेट्रिकली। सर सर एरिया एरिया वाली मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता किसी तरीके से, मतलब ऐसे मतलब सर दिमाग में तो आ गया कि आपने बताया कि दो केस बनेंगे लेकिन क्यों बन रहे हैं ये नहीं आ पा रहा है। सर यहाँ पर x y आप दो पॉइंट लिए और उसके बाद लेंथ उसके हिसाब से निकाले हैं, इसीलिए x y पहले भी या y x भी हो सकता है सर, इसलिए दो। और बहुत लोग क्या किया होगा कि सर दो जो कट या तो तीन अलग सेगमेंट हुआ तो उसका लेंथ ले लिया होगा x y z ऐसे करके। हाँ देखो एक्चुअली क्या होगा, जैसे हम एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है ना, ये तुम स्टिक कर रहे हो x लेस देन y है, यहाँ क्या है y भी लेस देन x हो सकता है, और वैसा इसलिए है क्योंकि अभी तुम्हें समझ आएगा जिसमें इसको मैं डिटेल में पहला वाला केस बताता हूँ। सम तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड का सम कितना है, 1 हो सकता है क्योंकि हमें लेंथ 1 पता है टोटल ना,
तो अगर तुम ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ ऐड करोगे तो वन आएगा। ओके तो एक चीज बताओ, जैसे पहले वाले केस में जो ट्रायंगल है उसमें एक साइड एक्स है, दूसरा साइड वाई माइनस एक्स है, तीसरी साइड वन माइनस वाई है, फाइन जी। ओके अब देखो तीसरे केस इसमें क्या है, अगर दूसरे वाले केस की बात करो तो उसमें एक साइड का लेंथ वाई है, दूसरे का लेंथ एक्स माइनस वाई है, तीसरा का लेंथ वन माइनस एक्स है। यहाँ टू केसेस इसीलिए है कि पहले वाले केस में एक्स लेस देन वाई है, और साथ में ये भी है कि वाई की वैल्यू हाफ से ज़्यादा होगी और एक्स की वैल्यू हाफ से कम होगी फर्स्ट केस में, इज इट, क्योंकि एक्स कभी हाफ से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एक्स एक साइड का लेंथ है, और तुम्हें पता है कि कोई भी सिंगल लेंथ सिंगल साइड विल बी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड, तीनों का लेंथ वन है मिला के, तो कोई भी एक साइड पर्टिकुलर लेंगे तो वो लेस देन हाफ होगा, पर्टिकुलरली कोई भी एक साइड ले लो तो वो लेस देन हाफ होगी, आधा से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, आधा भी नहीं, हाफ भी नहीं हो सकती, कोई एक पर्टिकुलर एक साइड की लेंथ हाफ नहीं हो सकती क्योंकि बाकी दो की सम फिर हाफ हो जाएगी क्योंकि सम तीनों का सम वन है बिकॉज हमारे पास इंटरवल लेंथ वन का है। तो एक तो वो है, दूसरे यहाँ पर क्या देखो, ये जो एक्स है लेस देन वाई, मतलब यहाँ एक पहले केस में एक्स लेस देन हाफ है और y मोर देन हाफ है क्योंकि हम नंबर लाइन पे ले रहे हैं ना, और दूसरे केस में क्या है x y लेस देन हाफ है और x मोर देन हाफ है, मतलब यहाँ हुआ कि x इज मोर देन हाफ क्योंकि x हमने यहाँ सेलेक्ट किया है तो वन के राइट सॉरी वन बाई टू के राइट में होगा और y पहले सेलेक्ट किया है सो y लेस देन हाफ है, तो ये दो डिफरेंट केस जनरेट करेंगे बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग टू डिफरेंट पॉइंट, तो एक केस में हो सकता है x लेस देन y हो, दूसरे केस में हो सकता है y लेस देन x हो, इसलिए अदरवाइज तुम ये कर सकते हो ना, जैसे देखो यहाँ लेंथ आ रहा है y माइनस x, यहाँ लेंथ आ रहा है x माइनस y, तो इसको तुम मिक्स करोगे तो नहीं चाहो तो ऐसे लिख सकते हो मॉड x माइनस y, इससे दोनों केस आ जाएंगे, xy कहीं भी सेलेक्ट करो सो डिस्टेंस मतलब एक छोटा हो या बड़ा हो तो उस केस में बीच का डिस्टेंस मॉड x माइनस y आएगा। सर अगर हम लोग पहले से अगर मान ले कि x is less than y तो फिर हम लोग नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, उससे करके देखते हैं, एक पहले केस की प्रॉब्लम निकाल के, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ही केस ले करते हैं क्या था? हम आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं x। सर ये हाफ वाला फिर से बता दीजिए एक बार। हाँ देखो फिर से समझो, जैसे इसका लेंथ कितना है x, इसका लेंथ कितना है y माइनस और इसका लेंथ कितना है 1 माइनस वाई फाइव। ओके अब देखो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तीन नंबर है एक दो तीन, तीनों को ऐड करने में कितना आएगा 1। हाँ अब देखो, अब ट्रायंगल में रूल ये है कि ट्रायंगल होने के लिए कोई एक साइड हमेशा बाकी दो साइड के सम से कम होगी, ठीक है, कोई भी एक साइड बाकी दो साइड के सम से कम होगी, तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एक साइड की वैल्यू लेंथ हाफ से ज़्यादा हो, मतलब 0.5 से ज़्यादा हो? नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि अगर कोई सिंगल साइड का लेंथ अगर 0.5 से ज़्यादा हो गया तो बाकी दो साइड का लेंथ 0.5 से कम हो जाएगी जो ट्रायंगल के कंडीशन को फेल कर देगा। तो देखो अब क्या होगा, ये बोलना चाह रहा है कि दिस फॉर्म्स अ ट्रायंगल, दिस फॉर्म अ ट्रायंगल इफ ये जो x है दैट मस्ट बी लेस देन हाफ, ये जो y माइनस एक्स है दैट मस्ट बी लेस देन हाफ, और ये जो 1 माइनस वाई है दैट मस्ट बी लेस देन हाफ, स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ होना चाहिए, तो तीनों लाइन सेगमेंट जो है उसका लेंथ है तीनों साइमल्टेनियसली लेस देन हाफ ही होगी, एक साइमल्टेनियसली, क्योंकि सिंगल साइड का लेंथ है, सिंगल साइड विल ऑलवेज बी लेस देन द सम ऑफ द अदर टू साइड, तो कोई भी एक सिंगल साइड लेस देन, और दूसरी बात लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती और ट्रायंगल का लेंथ जीरो हो नहीं सकता, ट्रायंगल का लेंथ तो जीरो हो नहीं सकता ना, वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा फिर, तो ये सिचुएशन है। तो अब बस यही इसी को सॉल्व करना है तुम्हें, तो क्वेश्चन था दिस फॉर्म्स अ ट्रायंगल इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तुम्हें ये निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, हो गया, तो देखो सो प्रोबेबिलिटी है कि थ्री लाइन सेगमेंट जो था, थ्री लाइन सेगमेंट फॉर्म अ ट्रायंगल,
सो इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 एंड हाफ एंड y माइनस x बिटवीन 0 एंड हाफ एंड 1 माइनस y बिटवीन 0 एंड हाफ। ये हाफ लेस देन इसलिए आया क्योंकि वो ट्रायंगल के साइड हैं, ट्रायंगल के साइड होने के लिए दो का सम तीसरे से ज़्यादा होगा, तो दो का सम हमेशा 0.5 से ज़्यादा होगा, तो तीसरा वाला खुद ही 0.5 से कम हो जाएगा। तो वही कंडीशन हो लिया कि हर साइड 0.5 से कम होगी क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ 1 है। समझ आ रहा है? जैसे एग्जांपल देख लो, एक साइड हो गया 0.4, दूसरा हो गया 0.3, तीसरा हो गया 0. चलो ले लो 3। तो ये पॉसिबल केस है ना, तुम किसी भी 2 को ऐड करो तीसरे से ज़्यादा होगी, यू ऐड एनी 2, या ऐसा बोलूँ कि कोई भी एक साइड देख लो बाकी दो से कम होगी, बाकी दो के ऐड करने से कम होगी। लेकिन अगर तुम ऐसा मान ले चलो 0.6 एक साइड है, 0.2 दूसरा साइड है, 0.2 तीसरा साइड, क्या ये पॉसिबल केस है ट्रायंगल का? जी सर। नहीं सर, नहीं हो सकता क्योंकि अच्छा ये नहीं होगा, दो का सम लास्ट दो साइड का सम कम हो गया तीसरे से, तो ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो हम यही बोलना चाह रहे थे कि लाइक कोई भी एक साइड कभी 0.5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा हुआ तो बाकी दो साइड का सम 0.5 से कम हो जाएगी, क्योंकि तीनों साइड का लेंथ 1 है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। इंटरवल को डिवाइड कर रहे ना तीन पार्ट में हम, तो आ गया तो ये प्रॉब्लम, इसका ग्राफ बना लो। देखो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ये x बिटवीन 0 एंड हाफ यहाँ आ जाएगा, इसको y माइनस x बिटवीन 0 एंड हाफ, तीसरा इसको सारा सिंप्लीफाई करोगे तो y की वैल्यू आएगी बिटवीन हाफ एंड 1, करके देख लो, ये इसको इम्प्लाई करेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है तुम लोगों को, पहले 1 माइनस कर लो तीनों में से, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक लास्ट ये आएगा। कोई डाउट है इसमें? ये तो सेम ही रखा हमने, जैसे ये वाली चीज़ सेम रखी है, ये वाली चीज़ सेम है, बस इसको सिंप्लीफाई किया है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना आ रहा तो फिर मैं करके दिखा सकता हूँ। निकलिए कैसे सॉल्व करते हैं, चलो ये मैथ में भी हेल्प करेगा। जैसे कहीं लिखा है 1 माइनस वाई मोर देन 0 लेस देन, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑल साइड्स, ठीक है, सब में से 1 घटा दिया, सब में 1 घटा दिया, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया माइनस वाई मोर देन माइनस 1 लेस देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है, इनइक्वालिटी, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया? हाँ, क्योंकि यहाँ हाफ था, चेक को लेकर बारी ठीक है ना, 1 माइनस वाई लेस देन हाफ मोर देन 0, तो यहाँ हाफ है, मैंने क्या किया 1 सब्ट्रैक्ट करो, सब ने कर दिया, तो माइनस वाई हाँ ये आ गया माइनस हाफ, हाफ माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ गया लेस देन 1 मोर देन हाफ, तो वाई मोर देन हाफ लेस देन 1 जो कि मैंने लिखा था, तो ये चीज इसको इम्प्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाओ। ऐसे एग्जाम में तुम्हें हवा नहीं लगा ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, 100 मार्क्स नहीं लाने होते हैं, ठीक है ना, तुम 60-70 स्कोर कर लिए तो टॉप 5 में आ जाए, 60-70 मार्क्स आ जाए, लेकिन अभी हमें सारा कराना है ना, करा रहेगा, तुम्हें एग्जाम में लगता है बहुत टाइम लगेगा, तो स्किप करो उसको। सर ये टफ क्वेश्चन में तो काउंट होगा? ऑब्वियसली हाँ, कि बेसिक प्रॉबर्टी में ये सब चीज़ें हैं नहीं, ये सब एलिमेंट उसमें ये सब नहीं पड़े, तो ओके, तो अब क्या करते हैं इसको देख लो, ग्राफ बनाना है इसको, इस वाले इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना। सर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब तो ज्योमेट्रिक प्रॉबर्टी सिलेबस में लिखी भी नहीं थी शायद, हाँ क्योंकि बहुत पहले पूछा गया था, राइट, ये 2012 के अराउंड पूछा गया या पता नहीं एग्जैक्टली यार, याद नहीं मुझे, लेकिन तब नहीं थी। ओके, तो अभी ग्राफ बना लेते हैं इसका, देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में तुम अगर सैम्पल स्पेस तुमसे अगर पूछता ना मैम, तो क्या होता, देखो दो केस किस लिए लिया था, क्योंकि हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट, हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग
डिवाइडेड टू थ्री इंटरवल्स बाय चूजिंग टू पॉइंट्स. सो ओमेगा अगर तुम लिखोगे तो ओमेगा इज लाइक ये, तुम कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो एक्स कॉमा वाई, है ना, सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई, कुछ कंडीशन है उसके अंदर. तो ये कुछ ऐसा, x की वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी हो सकती है और y की वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी हो सकती है. तो पहला केस में तुमने ये रेस्ट्रिक कर दिया कि x लेस देन हाफ है एक्चुअली यहाँ पे, मतलब x हमें थोड़ी बोला है कि लाइक तुम जो पॉइंट सेलेक्ट करो 0 से हाफ में सेलेक्ट करो. उसने बोला कि यू कैन सेलेक्ट टू पॉइंट फ्रॉम द इंटरवल एट रैंडम. तो x 0 से 1 में कहीं भी हो सकता है, y 0 से 1 में कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने जो पहला केस जो लिखा है मैंने यहाँ पे, उसमें हमने ये इनडायरेक्टली फिक्स कर दिया कि x हाफ से कम ही होगी, है ना, इनडायरेक्ट. दूसरे केस में हमने ये फिक्स कर दिया कि y 1 by 2 से कम ही होगी ड्यू टू ट्रायंगल कंडीशन. तो यहाँ y हो सकता है 0 से हाफ में और यहाँ y है हाफ से 1 में. तो और यहाँ x है 0 से हाफ में और यहाँ x है हाफ से 1 में. दोनों का यूनियन लेंगे x can be 0 to 1 and y can be 0 to 1. इसलिए दो केस है ना, और है ना, तो यूनियन लेंगे दोनों केस का, देन यू आर टेकिंग x बिटवीन 0 एंड 1, y बिटवीन 0 एंड 1. ओके, तो मैं आगे अब आता हूँ, इसको ग्राफ बनाओ. x क्या है 0 से हाफ के बीच, कैसा होगा, तुम लोग ग्राफ बनाता है ना, मान लो 1 यहाँ ले लेता हूँ मैं और 1 यहाँ ले लेता हूँ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. एक्स वाई इंटरचेंज करोगे तो ग्राफ भी चेंज हो जाएगा ना इसीलिए. तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है, ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ ये सैम्पल स्पेस है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी हो सकती थी, वाई की वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी हो सकती थी. और पहला है एक्स बिटवीन, ये ग्राफ में एक्स बिटवीन 0 एंड हाफ, तो लाइक इट विल बी लाइक हाफ नाला हाफ यहाँ पे हाफ. सो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू हाफ, ठीक है. तो लेस देन इक्वल टू हाफ, मोर देन इक्वल टू जीरो, मतलब तुमने सबने वो पढ़ा हुआ है. सो लेस देन इक्वल टू ये हाफ हो गया, इस तरफ होगा इसका, क्योंकि इनइक्वालिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है. सो एक्स लेस देन हाफ, ये वाला रीजन, लेफ्ट हाफ रीजन, ओके. एंड दूसरा था वाई माइनस एक्स मोर देन जीरो लेस देन हाफ. तो पहले भाई तुम वाई माइनस एक्स जीरो का ग्राफ बना लो. तो वाई माइनस एक्स जीरो का मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स. ऐसा समझा रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, जिनको पहले से कॉन्सेप्ट है तो हम तो डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे. तो ये जो लाइन है ये है y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब y बराबर x, सबको पता ही है. अच्छा, अब तीसरी यहाँ पे तुम्हें पता है ना, तुमने 11th क्लास में LPP पढ़ा होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग. उसमें क्या होता था, जैसे मान लो कहीं होता था कि लाइक जैसे यहीं पे y माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू वन है, या इक्वलिटी हटा दो तुम्हें अगर इक्वलिटी नहीं है तो. सो अगर तुम्हें बोलेगा इसका ग्राफ बनाओ तो क्या करोगे, सबसे पहले हम ये करते हैं इनइक्वलिटी को इक्वलिटी बना देते हैं, पहले इन दोनों का हम ग्राफ बना लेंगे, फिर बीच का रीजन हम सेलेक्ट कर लेंगे. ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का जो रीजन होगा वो ये है, ठीक है. हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी की जगह पहले इक्वालिटी डाल के पहले लाइन बना लेते हैं, फिर लाइन के बीच का हम प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं पार्ट. तो ये कर रहा हूँ, एक्स बराबर जीरो वाई एक्सिस होता है, यहाँ इक्वालिटी लगाओगे, यहाँ इक्वालिटी लगाओगे तो इक्वालिटी नहीं लगानी, और x इक्वल टू हाफ मैंने बना दिया, तो उस बीच का पार्ट ये है ना, ये जो लाइन है ये x इक्वल टू जीरो है, जिसको y एक्सिस बोलते हैं. तो पहले का पार्ट ये हो गया, इस वाले का सॉल्यूशन इस बीच में होगा. दूसरे वाले में y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो ग्राफ, तो ये पीला वाला ना, और दूसरा y माइनस एक्स इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाओ. तो जिनको लाइन का पहले से आइडिया है तो मेक इट इजीली. तो y माइनस एक्स इक्वल टू हाफ क्या होगा, y को जीरो रखोगे या x को जीरो रख लो तो y हाफ है, x जीरो तो y हाफ, ये पॉइंट है. और y जीरो x y जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ. ओके, तो यह बेटर है कि तुम y को वन रख लो. तो y को वन रखोगे तो बता ना, लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट काफ़ी है, तो वो दो पॉइंट ले रहा हूँ. मैंने x को एक बार जीरो रखा तो y हाफ हो गया, x को तुम y को जीरो रख लो, चलो x माइनस हाफ, पीछे नहीं जाना चाहता मैं. तो इसके लिए हम y को 1 रखते हैं और x हाफ रखते हैं, तो y को 1 और x हाफ किधर होगा, x हाफ y 1 दिस पॉइंट, ठीक है. यहाँ x हाफ है y 1 है, लाइन बनाना सबको आता होगा, ठीक है. तो उसमें तुम अपने हिसाब से, तुम्हें जैसे समझ आ रहा है वैसे करना, x 0 y हाफ ये पॉइंट है, तो ये ज्वाइन कर लो, ये वाली लाइन आ गई तुम्हारी
ये जो लाइन है इसका नाम है y माइनस एक्स इक्वल टू हाफ। ओके अब क्या रह गया, नेक्स्ट तीसरी कंडीशन थी y बिटवीन जीरो एंड नहीं y बिटवीन हाफ एंड वन, y बिटवीन हाफ एंड वन, तो y बराबर हाफ किधर होगा, सो कलर चेंज कर देता हूँ, सो y इज इक्वल टू हाफ की लाइन ये है, ठीक है, एंड लेस देन वन, तो y इज इक्वल टू वन की लाइन ये है, तो इसके बीच का अब तुम डिसाइड कर लो कॉमन पोर्शन कौन सा है। ओके तो देखो फिर से बताता हूँ, ये इसका ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, इसका लेफ्ट साइड में था, इधर था। ओके वाई लेस देन इक्वल टू क्या था, वाई माइनस एक्स मोर देन जीरो, तो इसको तुम सेपरेटली लिखते हैं तो वाई आ जाता मोर देन इक्वल टू एक्स सेपरेटली, ठीक है ना, ठीक से कर लो, मतलब जैसे ये था, इसको दो पार्ट में लिखो तो क्या होगा, जीरो लेस देन वाई माइनस एक्स एंड वाई माइनस एक्स लेस देन वन, तो यहाँ हो गया वाई इज मोर देन एक्स, ठीक है, और ये तो ऐसे यहाँ हाफ ये हाफ, ठीक है, मतलब तो यहाँ पे इसमें हाफ था ना इस वाले, तुम्हें ग्राफ बना के रीजन सेलेक्ट करना है, ये सब तुम्हें शायद इनइक्वालिटी पहले पढ़ी होगी, तुमने क्लास इलेवंथ में भी एनसीईआरटी में है लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में ही बताया गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स तुमने पढ़ा होगा इलेवंथ में, लीनियर प्रोग्राम हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग में यही करते थे हम, तुम्हें याद हो लाइन में आते रीज का, तो वही मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, तो हमें रीजन सेलेक्ट करना है, तो इसका अपर पार्ट है इसका लोअर है, तो मुझे कॉमन रीजन तो दिख गया ये है, तुम देख लो, तो मैं एक कलर से मैं वाइट से कर देता हूँ, तो ये जो वाइट वाला रीजन है दिस इज द कॉमन फिजिबल रीजन, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन इसमें है। ओके इसमें क्या था, एक्स बिटवीन जीरो एंड हाफ, तो जीरो एंड हाफ के बीच है, दूसरा था वाई माइनस एक्स शुड बी बिटवीन जीरो एंड हाफ, तो वाई माइनस एक्स हाफ यहाँ है, वाई माइनस एक्स जीरो यहाँ है, तो उसके बीच का है, तीसरा था कि वाई शुड बिटवीन हाफ एंड वन, तो वाई शुड बी बिटवीन हाफ एंड वन, देखो वाई हाफ इधर है वाई वन इधर है। ओके तो इस तरीके से, तो ये अब क्या करना है, वही अब तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ तुम एक चीज नोट कर सकते हो, जो पूछा ना दो केस क्यों हुआ, दो केस लिए यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो से हाफ में तुमने फिक्स कर रखी है, तो दूसरा केस में होगा कि जब एक्स हाफ से वन में है, ठीक है, सो अभी पहले केस का ग्राफ बना है, जब दूसरे केस का तुम ग्राफ बनाओगे, जैसे अभी तो मैंने कहा सिर्फ पहला केस लेके चलते हैं, यहाँ जो मैंने लिया है दिस इज ओनली फर्स्ट केस, ठीक है, ये जो मैंने कंसिडर किया है दिस ओनली फर्स्ट केस, एक्स फर्स्ट वाई लेटर, क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्ट हो गया, एक्स रेस्ट्रिक्ट हो गया लेस देन हाफ, वाई रेस्ट्रिक्ट हो गया मोर देन हाफ एंड लेस देन वन, इस तरह से। दूसरा केस में है एक्स बिटवीन हाफ एंड वन एंड वाई बिटवीन जीरो एंड हाफ, सो ये दूसरा केस था जो यहाँ मैंने लिखा था, यहाँ पर एक्स बिटवीन हाफ एंड वन वाई बिटवीन जीरो एंड हाफ, यहाँ ये था। ओके सो दो केस क्यों हो रहा है, अब शायद तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, बिकॉज पूरा जीरो टू वन कवर नहीं कर रहे हम लोग एक्स के लिए और वाई के लिए, क्लियर है जिसको डाउट हो रहा था अभी, समझ आ रहा है जी सर जी मुझे था, तो इसलिए पहला केस मैंने किया, तो पहले सब एरिया निकालते हैं, अब तुम सिमिलर वे में इसका तुम ग्राफ बनाओगे ना, जैसे यहाँ क्या होगा सेकंड पार्ट में, दिस शुड बी है ना, तो देखो जब ये तीन साइड था तो ऐसा केस आया एक्स बिटवीन जीरो एंड हाफ वाई माइनस एक्स बिटवीन जीरो एंड हाफ एंड वन माइनस वाई बिटवीन जीरो एंड हाफ, जिसका हमने अभी काम किया है, इसका ग्राफ बनाया है पहला केस का, दूसरा केस यहाँ पे है, इसमें क्या है y बिटवीन जीरो एंड हाफ x माइनस वाई बिटवीन जीरो एंड हाफ एंड वन माइनस एक्स बिटवीन जीरो एंड हाफ, इसका सिमिलरली ग्राफ बनाओगे तो एक्चुअली मुझे पता है, तो मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा, एक इस तरह से पोर्शन आएगा, एक और ट्रायंगल नीचे बन जाएगा, तो ये क्या होगा, ये वाले ट्रायंगल बनेंगे, ये कलर दिख रहा है मैं दिख रहा हूँ, ये ट्रायंगल बन जाएगी एक्चुअली सेकेंड केस, दूसरा कलर होता है ना एक्चुअली ये वाले रीजन बन जाएगी, तो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला केस वन और ये वाला केस टू, दो केस है ना, दिस और दिस तो यूनियन है, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी बराबर पी ए प्लस पी बी, कब, जब इंटरसेक्शन फाइनाइट है, सॉरी इंटरसेक्शन एम्प्टी, तो इसके बाद अब सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी थ्री पॉइंट फॉर्म अ ट्रायंगल थ्री जो सेगमेंट है, सेगमेंट फॉर्म ट्रायंगल
इसमें दो केस थे, प्रोबेबिलिटी केस वन वाला प्लस प्रोबेबिलिटी केस टू वाला। केस वन का पहले मैंने किया, अब इसका सैम्पल स्पेस हमारा ये है x बिटवीन 0 से 1, y 2 0 टू 1, इसका एरिया है 1, ठीक है ना। सो डिनोमिनेटर में सैम्पल स्पेस का एरिया 1, सैम्पल स्पेस का एरिया 1। अब ऊपर पहले केस में इस वाले वाइट वाले ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू वाइट, लेंथ हाफ है, विड्थ हाफ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8, आंसर इज 1 बाई 4, ठीक है। इसमें एक्चुअली थोड़ा गलत दिया है, ये एक्चुअली रोहतगी में तुम देखोगे ना आंसर उन्होंने हाफ लिखा है, ये गलत है सर। सर ये गुप्ता कपूर में 4.29 में क्वेश्चन भी 4.28 है सर, उसका पार्ट बी में एग्जैक्ट ऐसा है, जस्ट वहाँ वन ना दे करके लेंथ ए दे दिया है और पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द थ्री सेक्शन इन विच द लाइन इज दस डिवाइडेड इज लेस देन ए बाई फोर, तो बात लगभग सेम ही क्वेश्चन लग रहा है सर। हाँ ये रोहतगी में भी ये क्वेश्चन मैं लिखने वाला था, वो जो क्वेश्चन तुम बोले हो एग्जैक्टली वो इसमें है, रोहतगी में एक साइज है जिसके पास बुक है, यू कैन ओपन दिस, दिस इज द एक साइज क्वेश्चन नंबर 11, एक साइज सॉल्यूशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 1.3 में रोहतगी बुक में पेज नंबर 21 पे, तो मैं लिखता हूँ वो क्वेश्चन। सर ये बुक में तो इन्होंने तो शायद टफ मैथड इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन से करा है, पता नहीं क्या। हाँ उससे ही होगा, अभी करते हैं आगे। जैसे यहाँ एरिया तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया ना, कैसे निकाल दिया ट्रायंगल का, ये लीनियर प्रोग्राम है। हाँ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट यूज कर लिया ना मैंने यहाँ पे। हाँ वही वही, लेकिन अगर इररेगुलर फिगर होता तो कैसे करते तुम एरिया निकालते? सी बक कैलकुलस और कोई ऑप्शन ही नहीं। हाँ करते हैं वो क्वेश्चन भी करते हैं, देखो लिखते हैं। तो इसका तो 1/4 क्लियर हो गया, दिस इज 1/4। जब एक बार तुमने जैसे चार पांच क्वेश्चन ऐसे कर लोगे ना, तुम्हें अभी तुम्हें जैसे जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको लगा क्या ही कर रहा हूँ मैं, है ना, इतना टाइम दे रहा हूँ। लेकिन जब एक दो बार तुम कर लोगे तुम्हें लगा नहीं मुश्किल नहीं है, जैसे तुम्हें ग्राफ और वो सब बनाया था ना, तो फर्स्ट टाइम चीज़ें मुश्किल लगती हैं, देन प्रैक्टिस के बाद तुम्हें आता है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं हम लोग, मैं वो लिखता हूँ क्वेश्चन जो ये बोल रहा था। तो ये क्वेश्चन है मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, सो लाइक चलो मैं लिखता हूँ। टू पॉइंट्स आर चूजन एट रैंडम एट अ लाइन ऑफ यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ यहाँ है लेकिन उसको जनरलाइज कर देंगे तो कोई बात, पहले यूनिट लेंथ क्या करते हैं। सो द क्वेश्चन इज टू पॉइंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, ऑन अ लाइन ऑफ लेंथ वन। अब तुम लेंथ ए करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, मैं लेंथ ए कर देता हूँ, ठीक है। सो लाइक 0 टू ए का एक इंटरवल है, हमने इस पर दो पॉइंट सेलेक्ट किए, तो अभी वन के लिए कर दो फिर जनरलाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत फ़र्क कहाँ आएगा, देखो फर्क आएगा यहाँ मैंने डिनोमिनेटर वन लिखा है तो वहाँ ए हो जाता, मतलब एरिया ए स्क्वायर हो जाता, अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ तो उस तरीके से है, तो बाद में वो कैंसिल होकर देगा। सो अभी वन के लिए करके देखो, टू पॉइंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम एट अ लाइन ऑफ लेंथ वन, लाइक 0-1 का इंटरवल मान लो यहाँ भी, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ द थ्री लाइन सेगमेंट, ईच ऑफ द थ्री लाइन सेगमेंट सो फॉर्म्ड, अभी वन कर दिया मैंने एक को, सो फॉर्म्ड विल हैव लेंथ। हाँ मतलब गुप्ता कपूर में भी एक ज्योमेट्रिक प्रॉबर्टी नाम का टॉपिक है, उसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, डाउट होगा तो करेंगे। सो फॉर्म्ड विल हैव लेंथ मोर देन 1/4, मोर देन 1/4। तो पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन इजी है, वहाँ ट्रायंगल बोल दिया तो हमें बता रखा था कि ईच सेगमेंट का लेंथ स्ट्रिक्टली लेस देन हाफ है, उसका मतलब ये था। अब यहाँ उन्होंने सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली कहाँ डिफरेंस आ रहा है कि ईच सेगमेंट हैज लेंथ मोर देन 1/4, ईच सेगमेंट हैज लेंथ मोर, तो जहाँ मैंने लेस देन हाफ लिखा है उस लेस देन हाफ की जगह तुम मोर देन 1/4 कर दो, सेम तरीके से यू कैन प्रोसीड। लेकिन वहाँ दो तरह केस है, यहाँ आप जरूर नहीं केस बनेगा, तुम ट्राई करके देखो। तो अभी 9 बजे तक क्लास करूँगा क्योंकि 7 से स्टार्ट किया था, तो 10-15 मिनट और चलेगी, इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है, जस्ट ट्राई इट।
सर सेम क्वेश्चन गुप्ता में लेस देन 1/4 और यहां मोर देन 1/4 लेस देन कर दें कोई बात नहीं उसे आ जाए चलो लेस देन कर दो लेस देन करने से और आसान हो जाएगा हां वही मतलब वो तो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम लेस देन कर दो अच्छा चलो लेस देन कर देते हैं लेस देन करके देख लो उससे आंसर तो हो जाएगा सो लेस देन 1/4 करो सिमिलर है बस जहां लेस देन हाफ था लेस देन 1/4 करो एग्जैक्टली सिमिलर ट्राई करो इसको क्या आंसर होगा ऐसे तुम जनरलाइज कर सकते हो हाँ लेस देन हाफ कर दिया मैंने तुम्हारा क्या ही आंसर होगा यहाँ पे जहाँ जहाँ हाफ था 1/4 कर दो लास्ट स्टेप में क्या ही होगा यहाँ पे बस 1/4 इंटू हाफ इंटू 1/4 ठीक है ना तो आंसर आएगा लास्ट में आंसर आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मैं गेस कर रहा हूँ जरूरी नहीं तुम करके देखो ग्राफ बनाना पड़ेगा उसके लिए शायद ऐसा हो सकता है वो ग्राफ बताएगा ना ग्राफ कैसा बन रहा है सर 1/8 होना चाहिए मतलब 1/16 यानी 1/16 ओके करके देखो मतलब ग्राफ बना के देखो तो समझ आएगा देखो मैं कर देता हूँ 10 मिनट बचा है कर देता हूँ तुम लोग भी कर लोगे हाँ ओवरलैप नहीं हो रहा अच्छा ओके एक मिनट तो ये था हमारा जैसे लाइन हमने लिया 0 से 1 दो पॉइंट एक्स वाई अच्छा तो ईच हैज लेंथ अच्छा ट्रायंगल नहीं है ना यहाँ पे सम जरूरी नहीं 1 होगा तो यहाँ है कि लाइक एक्स इज लेस देन 1/4 वाई माइनस एक्स इज लेस देन 1/4 और 1 माइनस वाई इज लेस देन 1/4 यही मतलब है ना केस टू में क्या है क्योंकि तो फिर से हम यही बोल रहे हैं कि अब वी आर सेलेक्टिंग पॉइंट इन रीजन है यहाँ तो हमने कहा कि एक्स क्या है 0 से 1/2 में यहाँ तो 0 से 1/4 होगा लेस देन ठीक है टू पॉइंट वी आर सेलेक्टिंग सो दैट ईच पार्ट हैज लेंथ विच मीन्स है ना ईच पार्ट हैज लेंथ 1/4 ओके पहले इसका ग्राफ बना के देखते हैं सो वैसे लेंथ है तो 0 से ज़्यादा ही होगा है ना लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता सर सर क्योंकि हमारी हमारी जो 0 से 1 है ना लेंथ
और अगर तीनों पार्ट 1/4 से कम है, अल्टीमेटली अगर 1/4 भी हुए तो मैक्सिमम 3/4 तक ही जा रहा है वो। वही तो हम तब से सोच रहे थे सर, ये नन होना चाहिए, ये नहीं होगा कभी, इसलिए एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा। अच्छा ओके ओके, वही हमको स्टार्ट में लग रहा था, इन लोग पलट क्यों दिए क्वेश्चन को सर, वो मोर देन वाला ही सही था। हाँ सर, उसमें हो सकता है कुछ कुछ चेंजेस किया होगा रोहतगी में। हाँ कुछ तो, कुछ बात होगा सर, बोले ना जैसे प्रॉब्लम का ये बी सेक्शन है, इसीलिए ए सेक्शन तो हम आपको बोले ही नहीं। अच्छा ओके, देखो 1/4 1/4 1/4 3/4 ही हो रहा है। हाँ मैक्सिमम मतलब यहाँ से ये कि तुम सम करोगे तो सम की वैल्यू तीनों को ऐड कर लेंगे हम, तो ये लाइक ना यहाँ तो ये आ गया, इन तीनों को ऐड करने क्या आएगा 3/4 आएगा अगर मैक्सिमम वैल्यू इन्होंने अटेन करी तो। ये 3/4 है लेकिन ये लेंथ कितनी आ जाएगी सर? ये तो 1 आ जाएगी सर, गलत इनइक्वालिटी सर, गलत इनइक्वालिटी आ रही है ना, तो इसका मतलब इनका कहीं प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, ये पॉसिबल नहीं है, सवाल गलत था, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो अगर हम ऐड कर रहे हैं ऐसा होता ना जैसे कहीं एक्स लेस देन वाई है और वाई मतलब कहीं मान लो एक्स वन लेस देन वाई वन है और एक्स टू लेस देन वाई टू है, तो मैथमेटिक्स का रूल है ना एक्स वन प्लस एक्स टू शुड बी लेस देन वाई वन प्लस वाई टू, ये सही है ना? तो सेम लॉजिक से इन तीनों का सम इससे कम होना चाहिए था जी सर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। ओके okay, क्या चांस जीरो है, ठीक है आंसर जीरो हो गया, नो प्रॉब्लम, मतलब ऐसा नहीं है मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो है, तुमने निकाला कोई एरिया कॉमन नहीं आ रहा, मतलब जीरो है प्रोबेबिलिटी, जीरो अपॉन स्क्वायर एरिया वन, तो आंसर इज जीरो, नो प्रॉब्लम। तो अगर मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट टाइप का है ना, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। ओके okay? तो देखो आंसर दिया, आंसर अगर दिया होगा तो अच्छा ओके। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, सबके साथ है क्या ऐसा सर? मुझे या मैं स्लो बोल रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर आवाज आ रहा है, ठीक है ठीक है। ऐसा टाइम भी हो गया तो मैं तुमसे यही बोलूंगा, आज का होमवर्क ये है लाइक मैं क्वेश्चंस कुछ या तो उसमें एक पार्ट है लाइक अभी तक क्या है जितने क्वेश्चन गुप्ता कपूर में एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और एग्जांपल कर लेंगे गुप्ता कपूर के, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी नाम का एक टॉपिक है उसमें उसके एग्जाम्पल्स कर लो, एनफ एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल्स एक बार कर लो वही काफी है, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम दोनों ने करना या नेक्स्ट टाइम मैं कराऊंगा, तो जैसे हाँ मतलब हाँ सर 4.21 पेज नंबर ओके 4.21 ओके हाँ मतलब गुप्ता कपूर में, हाँ गुप्ता कपूर में, तो गुप्ता और 4.21 पे एग्जांपल्स ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड उसको सॉल्व करो एंड देन नेक्स्ट क्लास में डाउट्स बता के एंड देन हम प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे, तो इससे बेहतर थोड़ा ये भी ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच गया है, बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी बच गया है, तो ये पार्ट खत्म ही हो जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट है, तो थ्योरीज एक बार खत्म करके रैंडम वेरिएबल से पहले की जितनी थ्योरीज हैं उसको फिनिश करके लाइक मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये पार्ट एक बार ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जैम का प्रीवियस ईयर में जो इस टॉपिक में जितने क्वेश्चंस हैं वो असाइनमेंट भी हमने कलर किया हुआ है क्वेश्चंस, तो वो मिल जाएगा इसका अलग किया हुआ है ये, तो वो भेज दूंगा मैं, वो करना एंड देन आई थिंक भेजा होगा ग्रुप में, तो 3 PDF भेजे होंगे ना शशि ने, उसमें एक होगा प्रीवियस ईयर वाला ही जो स्कैनर स्कैन करके एक एक क्वेश्चन होगा पर पेज, उसमें देखना जैम का ये मैं क्लास में करा दूंगा एक बार, फिर हम साथ में करेंगे, मतलब एक बार यहाँ तक पहले ख़त्म कर लेता हूँ एक क्लास में, अभी हम कहाँ पे हैं, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी आज थोड़ा डिस्कस किया है, भूल से नहीं हो गया, सो नेक्स्ट टाइम में ये कर लें, नेक्स्ट टाइम में इसकी थ्योरी ख़त्म करा देंगे और फिर प्रीवियस ईयर करेंगे, इससे पहले का हो गया है असाइनमेंट करना होगा। हाँ ट्राई करो, असाइनमेंट का भी डाउट करेंगे, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है,